स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर रजनीश सर का ASNDC MSME मंत्रालय। हार्दिक स्वागत है। माननीय मंत्रीगण भी कुछ ही समय में हमारे बीच उपस्थित होंगे और हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। Ladies and gentlemen, the honorable ministers would be joining us shortly and we will go ahead with the proceedings of today's event as soon as the honorable ministers are here with us. Meanwhile, once again requesting everybody to be seated and all mobile phones kept on to silent mode. Thank you.
पुनः निवेदन है, कृपया अपने स्थान ग्रहण कर लें। May we request for all other exit doors to be closed. Thank you. जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय मंत्रीगण का। माननीय मंत्री एमएसएमई श्री नारायण राणे जी एवं माननीय राज्य मंत्री एमएसएमई श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी का हार्दिक स्वागत। कृपया अपने स्थान ग्रहण कर लें। निवेदन है, सभी निकास द्वार बंद कर दें। धन्यवाद। नमस्कार माननीय मुख्य अतिथि श्री नारायण राणे जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी माननीय राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, मंच पर विराजमान वरिष्ठ अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारीगण, एमएसएमई मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों से उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, औद्योगिक संगठनों के अधिकारीगण, एमएसएमई निर्माण स्कीमों के लाभार्थी, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार विजेता, प्रेस एवं मीडिया के सदस्य, देवी और सज्जनों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित उद्यमी भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू द सेलिब्रेशंस ऑफ द इंटरनेशनल एमएसएमई डे ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस एमएसएमई डे सेलिब्रेशंस विल मार्क द सिक्स्थ एनिवर्सरी ऑफ द यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन ऑफ असाइनिंग एन इंटरनेशनल एमएसएमई डे। यूएन ने साल 2017 में अपनी महासभा में एक प्रस्ताव पास करते हुए हर साल 27 जून को वर्ल्ड एमएसएमई दिवस मनाने की घोषणा की थी। 27 जून 2017 में पहली बार वर्ल्ड एमएसएमई दिवस मनाया गया। एमएसएमई दिवस दुनिया भर में एमएसएमई के क्षेत्र में महत्व और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs के कार्यान्वयन में योगदान की मान्यता देने हेतु एवं उनके समर्थन में मनाया जाता है।
दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी एमएसएमई ने बेहद अहम भूमिका निभाई है। देश में वर्तमान में 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई सक्रिय हैं। ये न सिर्फ देश की जीडीपी का बड़ा योगदान कर रहे हैं, बल्कि एक बड़ी आबादी के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने में योगदान दे रहे हैं। And today, ladies and gentlemen, we are honored to have amongst us the esteemed presence of Honorable Minister. I would now request Sri S.C.L. Das, Secretary MSME, to kindly do the honors of welcoming our Honorable Ministers with a shawl and a green sapling. Swagat aur samman karna chahenge Mananiya MSME Mantri Sri Narayan Rane ji ka. Aur ek bar zordar taaliyon ke saath swagat. और अब स्वागत और सम्मान करना चाहेंगे माननीय राज्य मंत्री एमएसएमई श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी का। हार्दिक स्वागत। और अब निवेदन है श्री एससीएल दास सचिव एमएसएमई मंत्रालय से कि वह स्वागत भाषण के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत सचिव एमएसएमई। अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माननीय केंद्रीय मंत्री एमएसएमई, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री एमएसएमई, आदरणीय अध्यक्ष केवीआईसी, आदरणीय अध्यक्ष नेशनल क्वायर बोर्ड, एमएसएमई एवं अन्य साथी मंत्रालयों से जुड़े हमारे सभी कलीग्स, एमएसएमई सेक्टर के सभी एसोसिएशंस और हमारे वैल्यूबल पार्टनर्स, आप सबका इस समारोह में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। इंटरनेशनल एमएसएमई दिवस के उपलक्ष्य में उद्यमी भारत के रूप में हमने इस समारोह को 7वीं बार मना रहे हैं। इस समारोह में आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करना चाहता हूं कि उनका बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है, वो लगातार यात्रा में ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की गरिमा और महिमा बढ़ाई है, इसके लिए मैं उनका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अपने माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय का बहुत विशेष रूप से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है उन्होंने यहां उपस्थित होकर। हमारे अध्यक्ष केवीआईसी और अध्यक्ष एनसीबी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हमारे सभी कलीग्स और एमएसएमई सेक्टर से जुड़े सभी मंत्रालय के कलीग्स यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और एमएसएमई सेक्टर के जो सबसे कटिंग एज हैं, जो पार्टनर्स हैं, यहाँ मौजूद हैं और जुड़े हुए भी हैं वर्चुअली, उनका विशेष रूप से स्वागत। यह इस श्रृंखला का, जैसा मैंने बताया, 7वां समारोह है और यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं इस संकल्प को दोहराने के लिए और उसको सुदृढ़ करने के लिए कि एमएसएमई सेक्टर का समग्र विकास हो, जो सरकार की नीति है, जो सरकार का विजन है, उसको हम कैसे अचीव करें। एमएसएमई सेक्टर का समग्र विकास हो, इसके लिए हम 24/7 हमें कार्यरत रहना है, लेकिन आज के दिन उस संकल्प को हम लोग सुदृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देवियों सज्जनों, भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ें बहुत मजबूत हैं। द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आर वेरी साउंड ऑफ आर इकोनॉमी, लेकिन इस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, इस 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी ट्रैजेक्टरी को और क्रॉस करने के लिए जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, उसमें एमएसएमई उस ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है और आगे रहेगा। यह एक फंडामेंटल ट्रूथ हमारे सेक्टर का है, जिसे हमें इंटरनलाइज करना चाहिए। और इसके लिए हमारा मंत्रालय मंत्री महोदय के नेतृत्व में बिल्कुल साझेदारी के साथ सिस्टर मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टनरशिप मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, एमएसएमईज एसोसिएशंस हैं एंड अदर बॉडीज हैं, अदर स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ साझेदारी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के काम करेगी।
ये हमारा पीपीपी मॉडल है, प्रोएक्टिव प्रमोशन, प्रोएक्टिव पार्टनरशिप एंड प्रमोशन. दिस इज आवर पीपीपी. वी लाइक टू प्रमोट, प्रोएक्टिवली प्रमोट एंड पार्टनर विद द एमएसएमई सेक्टर टू हेल्प देम ग्रो एंड फ्लरिश. और इसके लिए एमएसएमई मंत्रालय का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वो सब इंडस्ट्री एमएसएमई उद्योग के लिए हम उपलब्ध बेहतर और तरीके से कराएंगे. आपको पता ही है कि हमारे पास एक नेशनल स्प्रेड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, 59 विकास कार्यालय और शाखाएं, 27 टूल रूम्स हैं, 11 टेस्टिंग सेंटर्स एंड स्टेशंस हैं. उसके अलावा कुछ डिजिटली इनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो कई तरह से फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर सकते हैं. तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर आप सबके लिए हम लोग बेहतर से बेहतर यूज़ कर पाए, ये हमारा प्रयास रहेगा, ताकि आप अपनी ग्रोथ स्टोरी को, अपनी अपनी इंडिविजुअल और सेक्टर की कलेक्टिव ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ा सकें. और इसके लिए हम जो समझते, हमारी समझ से, हमारे मंत्रालय की समझ से 5 ही मूल मंत्र हैं. द फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी. पहला है टेक्नोलॉजी. हमें लेटेस्ट एंड द बेस्ट को अपने सेक्टोरल कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है, 5G को लाना है, और भी जो चीज़ें हो रही हैं वो हमें लाना है. टेक्नोलॉजी को हमें एज ए की ड्राइवर बनाना है. इनोवेशन हमारा दूसरा मंत्र है, और इसके लिए मंत्रालय की जो स्कीमें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी जो स्कीमें हैं, और हमारे अदर कोलैबोरेटिंग मिनिस्ट्रीज की जो स्कीमें हैं, सबको हम सिनर्जाइज करके आपके उपयोग के लिए बेहतर बना पाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा. और उसके लिए इनोवेशन को इनक्यूबेट करके फर्दर कमर्शलाइज करने के भी जो प्लान्स हैं उसको हम कारगर बनाने की कोशिश करेंगे. क्वालिटी तीसरा मूल मंत्र होना चाहिए हमारे सेक्टर के लिए, और वही हमें वैल्यू प्रोपोजिशन और वैल्यू चेन में आगे ले जाएगा. वॉल्यूम्स हमें चाहिए, बट वैल्यू क्रिएट करने के लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके लिए जो हमारी स्कीम है, अभी प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी उसका एक मूल मंत्र बहुत पहले दे रखा है, इसको हमें जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, उसको हमें कार्यान्वित सही तरीके से करना है. एंड उसके लिए क्वालिटी को हमें एम्बेड करना पड़ेगा अपने कल्चर, अपने बिजनेस प्रोसेसेस में मेन स्ट्रीम करके एम्बेड करना पड़ेगा. और उसके लिए हमें आपसे मिलकर काम करना है कि गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं, ताकि आपके बिजनेस में एक सही मायने में ग्रोथ आए इन वैल्यू टर्म्स, इन एडिशन टू वॉल्यूम टर्म्स. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सर्टेन सेगमेंट्स कुछ हैं बहुत इसमें आगे हैं, लेकिन बहुत इसमें हैं, कुछ लोगों को इनेबल करनी है, वो भी हमारा एक चौथा मूल मंत्र रहेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. इसमें हम दूसरे संस्थाओं, एसोसिएशंस, अदर स्टेक होल्डर एजेंसीज के साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि काम बहुत बड़ा है. ये सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड है, ये दिखता नहीं है लेकिन इसका रिजल्ट दिखता है. तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हमारा एक रहेगा. एंड लास्ट बट परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड, डिजिटलाइजेशन. डिजिटलाइजेशन एक बहुत बड़े सेगमेंट में, खास करके वो सेक्टर अभी जो पूरी तरह से फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, जिसको मार्केट एक्सेस पूरी अभी नहीं मिल पा रही है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन के मोड में लाने की कोशिश करेंगे. उसके लिए सरकार एक सिस्टम्स, अलग अलग तरह के सिस्टम्स डेवलप करेंगे, ताकि उनको वो मार्केट एक्सेस डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू कई गुना ज़्यादा उपलब्ध हो पाए, वो पेनिट्रेशन उनको ज़्यादा उपलब्ध हो पाए, चाहे वो KVIC के प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो नेशनल क्वायर बोर्ड के प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो MSME के अदर स्टैंड अलोन डिफरेंट निश प्रोडक्ट्स हों, सबके लिए. तो ये मिला जुला के हमारी सोच, हमारी धारणा यही है. और इसके लिए हम एज ए टीम मंत्री महोदय के नेतृत्व में और सभी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना चाहेंगे. और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पे जो अर्थव्यवस्था है, नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमी में जो हमारा एक लेजिटिमेट रोल है और एक पोटेंशियल है, उससे ग्रेटर पोटेंशियल है. आज हम अपने रोल को जानते हैं कि एक्सपोर्ट में, डोमेस्टिक इकोनॉमी में हमारा क्या रोल है, बट द पोटेंशियल इज इवन ग्रेटर. उस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हमें आगे बढ़ना है कलेक्टिव विजन एंड कलेक्टिव एक्शन के साथ. इसी सोच के साथ और इसी भावना के साथ मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. हार्दिक धन्यवाद सर. और अब आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर रजनीश ASNDC MSME को MSME मंत्रालयों की कुछ पहलों पर प्रस्तुति के लिए, जिनमें शामिल हैं चैंपियंस 2.0 पोर्टल, MSME आइडिया हैकाथॉन 2.0 के रिजल्ट्स एवं लॉन्च ऑफ MSME आइडिया हैकाथॉन 3.0, 2 करोड़ उद्यम रजिस्ट्रेशन, मोबाइल ऐप फॉर जियो टैगिंग ऑफ क्लस्टर प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी सेंटर्स, MOUs एवं जेम. तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत डॉक्टर रजनीश का.
माननीय केंद्रीय मंत्री एमएसएमई श्री नारायण राणे जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, अध्यक्ष केवीआईसी श्री मनोज कुमार जी, अध्यक्ष क्वायर बोर्ड श्री कुप्पू रमन जी, सचिव एमएसएमई मंत्रालय श्री सुभाष चंद्र लाल दास जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, आज हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि आपको बताया गया कि वर्ष 2017 में यूनाइटेड नेशंस ने अपने प्लेनरी सेशन जो कि उनका 6 अप्रैल को हुआ था, उसके अंदर ये निर्णय लिया कि 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे मनाया जाएगा। और सर, इसी के ऊपर हमने एक छोटी सी प्रस्तुति रखी है, आपकी अनुमति से ये प्रेजेंटेशन हम आपको देना चाहेंगे। नेक्स्ट, हम जानते हैं कि भारत की आर्थिकी के अंदर एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी को विदित है कि हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी में हमारा एमएसएमई का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पर यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशंस में जो इंटरनेशनल एमएसएमई डे मनाने की जो परंपरा शुरू हुई, उसके पीछे भावना ये थी कि पूरे विश्व में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दो पहलुओं के ऊपर किस तरह से हम उन्हें आगे बढ़ाएं, इस पे बल देना था। और यूनाइटेड नेशंस ने ये माना कि अगर इन दो पहलुओं पे हमें बल देना है तो हमारे को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पर बल देना पड़ेगा, हमें फोकस करना पड़ेगा। ये कारण था कि 27 जून 2017 से हम इंटरनेशनल एमएसएमई डे मना रहे हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस की जो कैलकुलेशंस हैं, उनके एस्टिमेट्स के हिसाब से ऑन एन एवरेज पूरे विश्व में 50% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एमएसएमई से आता है। यूनाइटेड नेशंस के एस्टिमेट्स के हिसाब से हर 10 में से 6 या 7 व्यक्ति जो एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करते हैं फॉर्मल सेक्टर में, वो एमएसएमई के माध्यम से है। तो एक बहुत बड़ा, एक आप कह सकते हैं कि एमएसएमई का योगदान है, और इस योगदान को यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट किया। और आज जब हम यहाँ भारत के अंदर अपनी राजधानी में एमएसएमई डे मना रहे हैं, तो आज यूनाइटेड नेशंस में उनके हेडक्वार्टर्स के अंदर भी इंटरनेशनल एमएसएमई डे मनाया जा रहा है। जब भी हम किसी अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाते हैं तो उसके पीछे जो मंत्रालय की भावना है वो ये रहती है कि अब तक हमने क्या कार्य किए और आगे हम क्या कार्य करने वाले हैं। सर, इसी के ऊपर ये छोटी सी प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट, सबसे पहली बात ये कि जब हम भारत में एमएसएमई की बात करते हैं तो एक बात आती है कि क्या सभी एमएसएमईज हमारे जो फॉर्मल नेट के अंदर हैं या नहीं। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जो कि 2020 में जब हमारी डेफिनेशन एमएसएमई की हमने थोड़ा उसको एक्सपेंड किया था, उसके बाद हमने जो नया रजिस्ट्रेशन शुरू किया, तो नए रजिस्ट्रेशन आज होते होते और जो हमने उस पर फोकस रखा, 2 करोड़ से ऊपर हमारे रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में हुए हैं। और ये एक माइलस्टोन हमने अचीव किया, 2 करोड़ उद्यम रजिस्ट्रेशंस के अंदर। एक जो चीज हमने पहल की लास्ट ईयर सर, जब हमारा नेशनल बोर्ड की मीटिंग थी, तो उसमें जनवरी में ये निर्णय लिया गया कि जो बहुत छोटे जो नैनो एंटरप्राइजेस हैं, उन नैनो एंटरप्राइजेस को भी किस तरह से हम उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे लाएं अगर उनके पास पैन नंबर नहीं है। तो इसमें हमने उद्यम असिस्ट पोर्टल जो है वो शुरुआत की, और उसके माध्यम से भी 40 लाख से ऊपर संख्या के अंदर रजिस्ट्रेशन हमारे पास हुए हैं। नेक्स्ट सर, उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है, इसके अंदर जो 2 करोड़ की मैंने बात करी, इसमें माइक्रो जो यूनिट्स हैं हमारे, वो 97% है। यानी कि भारत की अगर आर्थिकी में एमएसएमई सेक्टर को हम देखें तो 97% यूनिट्स हमारे जो हैं वो माइक्रो कैटेगरी के अंदर आते हैं। करीबन 3% या 2.7% यूनिट्स जो हैं वो हमारे स्मॉल कैटेगरी में है, और मीडियम कैटेगरी के अंदर हमारे 0.5% है। तो मंत्रालय इस चीज को देखते हुए कि जो बिखराव है हमारे यूनिट्स का, और जिस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड रूप में हमारे नैनो और माइक्रो यूनिट्स विद्यमान हैं, उनको देखते हुए हमारी स्कीम का जो फोकस रहता है वो हम अपनी स्कीम के अंदर
कोशिश करते हैं कि माइक्रो यूनिट्स के ऊपर खास तौर से हमारी तवज्जो रहे, ताकि एमएसएमई सेक्टर के जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें ना केवल स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज रहें जिनकी प्रमोशन भी हम करते हैं और हमारा फोकस रहता है, पर एक स्पेशल फोकस हमारा माइक्रो सेक्टर में रहता है। नेक्स्ट सर, जब हम एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक बैरियर जो एमएसएमई सेक्टर के ग्रोथ के अंदर आता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। और ये चीज़ जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अपनी स्टडीज़ के अंदर इस चीज़ को उजागर किया, और उनका कहना है कि करीब 30 लाख करोड़ का एक क्रेडिट गैप एमएसएमई सेक्टर में है, और अगर इसकी भरपाई हम करते हैं तो हमारा एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो उसका पोटेंशियल है हम उसको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे और हमारे यूनिट्स जो हैं वो और अधिक ग्रोथ पाथ पर चलेंगे। सर, हमारे जो यूनिट्स हैं इनको बैंक्स में फाइनेंसिंग के लिए जो एक सबसे बड़ा व्यवधान आता है, जो यूनिट्स हमें रिपोर्ट करते हैं, वो ये कि जब बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक थोड़ी सी हेजिटेशन रहती है कि अगर एमएसएमई सेक्टर में हम लोनिंग कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं लोन पे डिफॉल्ट हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोन जो है वो एनपीएस हो जाएंगे। तो यहाँ पर सर हम दो चीज़ें बताना चाहते हैं। पहला ये कि जो इकोनॉमिक सर्वे था हमारा, इकोनॉमिक सर्वे में जो एमएसएमई सेक्टर का एनपीए असेसमेंट हुआ सर, तो हमारा एनपीए जो एमएसएमई सेक्टर से संबंधित है सर वो काफ़ी कम है। इनफैक्ट एनपीएज इन एमएसएमई सेक्टर आर सो लो कि ईसीजीएलएस स्कीम जो हमने शुरू किया था सर जब कोविड था, उसमें जो प्रोविजंस हमने क्रेडिट गारंटी के किए थे, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कहते हैं कि लोन डिफॉल्ट्स उतने नहीं हैं, और उतना जो हमने सोचा था कि हमारे को क्रेडिट गारंटी में लोगों को एनपीएस के ऊपर बैंकिंग सेक्टर में डिफॉल्ट पे पैसा देना पड़ेगा, वो नहीं देना पड़ा है। तो पहला मिथ जो हम डिबंक करना चाहते हैं वो ये कि जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है वहां पर एनपीएस इस तरह अधिक नहीं है जो कि कई बार लोग सोच लेते हैं। दूसरी बात यह कि हमारे एमएसएमई सेक्टर में लोगों को ऋण प्राप्त हो सके, इसके लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हमने बनाया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और मुझे सर बताते हुए खुशी हो रही है, ये कुछ आंकड़े हैं, 2000 में सीजीटीएमएससी की शुरुआत हुई थी सर, 2000 से लेकर 22 वर्ष तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो पिछला था हमारा, उस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत तक टोटल जो लोन्स डिसबर्स किए गए थे सर वो 3 लाख करोड़ लोन्स थे, और अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर को जोड़ लें तो टोटल 4 लाख करोड़ का जो है सर इसके अंदर इन्होंने गारंटीज एक्सटेंड की थी। इस 4 लाख गारंटीज के अंदर 1 लाख गारंटी सर पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में की गई है, यानी कि 25% जो गारंटीज एक्सटेंड हुई हैं सर पिछले 23 साल की जर्नी में सीजीटीएमएससी की, उसमें 25% जो गारंटीज हैं सर वो एक ही साल में 1 लाख करोड़ के ऊपर हम लोग दे पाए हैं। और इसके लिए मैं सीजीटीएमएससी और जो सिडबी है हमारे पार्टनर्स हैं सर, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपकी कंट्रीब्यूशन जो है उसको हम एक्नॉलेज करते हैं। नेक्स्ट सर, इसके अलावा सीजीटीएमएससी जो है वो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को बैंक्स के माध्यम से लोन आसानी से मिल सके इसमें एक गारंटी देता है, और जब ये गारंटी सीजीटीएमएससी दे देता है तो फिर बैंक्स को ये हिचकिचाहट नहीं होती कि ये लोन मुझे एमएसएमई को देना है या नहीं, क्योंकि उनका लोन जो है वो उस पर गारंटी है और वो सोवरन गारंटी है, भारत सरकार की गारंटी है, तो वो लोन देने की उनको प्रक्रिया आसान होती है। इसमें सर और अधिक लोन्स जो हैं और फाइनेंस एमएसएमई को मिल पाए, इसके लिए सर सीजीटीएमएससी को इस फाइनेंशियल ईयर में सर जो बजट अनाउंसमेंट हुई उसमें 9000 करोड़ का कॉर्पस इन्फ्यूजन का प्रावधान रखा गया, जो कि एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। सीजीटीएमएससी जब 2000 में गठित हुआ था सर, तब से लेकर 2022 तक 7500 करोड़ का इनका कॉर्पस था, और अभी इस वर्ष से 9000 करोड़ का कॉर्पस फंडिंग इनको किया गया है, जिसमें से 8900 करोड़ सर ऑलरेडी हमने इनके कॉर्पस में ट्रांसफर कर दिया है। तो ये भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सीजीटीएमएससी को हुआ है, और इसके एवज में सर सीजीटीएमएससी के सहयोग से हम जो बैंक क्रेडिट गारंटी फी होता है जो पहले 2% होता था सर, उसको 50% रिड्यूस करके, पहले सर 2% से वो रिड्यूस हुआ था 1.2% पे, उस पर फर्दर 50% की और कटौती करके सर अब हमारा क्रेडिट गारंटी फी 0.5% और कई कई केसेस में 0.37% है। तो ये एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए, जब हम
कॉस्ट ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तो एक ही वर्ष के अंतराल में 2% से क्रेडिट गारंटी फी को कम होके 0.37% तक जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। और इसके लिए फिर दोबारा से हम सिडबी और सीजीटीएमएससी का के सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ ही बैंकर्स का जिन्होंने क्रेडिट एक्सपेंशन में और क्रेडिट एमएसएमई को देने के लिए बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई है। नेक्स्ट सर, इसके अलावा सेक्रेटरी सर ने जैसे अपने 5 मूल मंत्र बताए और उसके अंदर सर टेक्नोलॉजी की बात की तो मिनिस्ट्री के अंदर हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, पर इससे पहले सर हमारा एक फोकस ये भी रहता है कि एमएसएमई सेक्टर की जो ग्रीवेंसेज हैं इन ग्रीवेंसेज को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से जल्द इनको रिजॉल्व कर सकें, तो उसी में जो हमारी पहल है सर उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर, चैंपियन पोर्टल जून 2020 में शुरू किया गया था जो कि उस समय कोविड था और कोविड के दौरान एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए एक ये आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने शुरुआत की कि हमारे यहाँ पर अगर किसी भी एमएसएमई को कोई ग्रीवेंसेज हैं तो वो इस पोर्टल पे आए और वो ग्रीवेंसेज हम रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट। और इन ये जो हमारा पोर्टल है सर इसके अंदर हमारे 30 से ज्यादा स्टेट सर, इसके अंदर हमारे जो फील्ड लेवल ऑफिसेज हैं 70 से ऊपर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं सर, सभी बैंक्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और इसके अंदर सर जो हमारे सीपीएससीज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट भी रहती है और ये पूरे नेटवर्क का फोकस ये होता है कि अगर किसी एमएसएमई को कोई ग्रीवांस है तो उसे हम रिजॉल्व कैसे करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और सर ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, आप यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो बार हैं सर, वर्ष 2020 में जब हमने ये पोर्टल शुरू किया था तो उस समय सर हमारे को मैक्सिमम ग्रीवांसेस जो हैं वो इस पोर्टल पे आए सर एमएसएमई के, करीब 30,000 से अधिक ग्रीवांसेस हमारे पास आए, 30,128 ग्रीवांसेस थे और सर उसमें से 99.5% ग्रीवांसेस हम लोग जो है रिजॉल्व कर पाए सर, 29,778 ग्रीवांसेस उसी साल हमने रिजॉल्व की और आप देखेंगे सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रेंड जो है वो नीचे आ रहा है। 2021 में 14,000 ग्रीवांसेस हमारे पास आई थी जिसमें 14,000 ग्रीवांसेस हमने रिजॉल्व की और वर्ष 2022 में 16,000 ग्रीवांसेस हमारे पास थी जिनको हमने रिजॉल्व किया। ऑलमोस्ट 100% सर हमारा जो है वो ग्रीवांस रेजोल्यूशन के ऊपर फोकस रहता है और आज सर हम इंटरनेशनल एमएसएमई डे पर चैंपियन 2.0 पोर्टल की शुरुआत आपके माध्यम से कराएंगे सर। ये एक हमारी नई पहल होगी, इसमें और अधिक टेक्नोलॉजी को हम यूज करके जिसके अंदर चैट बूट और बाकी चीजें हमारी इन्वॉल्व रहेंगी सर, उसके माध्यम से हम इस पोर्टल को और अधिक सक्रिय करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सर जैसा कि यहां सेक्रेटरी सर ने बोला कि टेक्नोलॉजी को हमें लेके आना है तो टेक्नोलॉजी का सर एक अहम हिस्सा इनोवेशन भी रहता है और इनोवेशन पे मिनिस्ट्री का फोकस है सर। हमारे यहाँ पर लास्ट टाइम हमने एमएसएमई हैकाथन जो है वो ऑर्गेनाइज किया था जिसके अंदर स्टार्टअप्स और बाकी जो आइडियाज हैं सर वो उन आइडियाज को हमने एकत्रित किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसके अंदर सर ये जो हैकाथन था सर इसका वर्जन 2.0 हमने 2 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है सर इसके अंदर 632 होस्ट इंस्टीट्यूशंस यानी कि एकेडमिक और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर शामिल थे। इसके अंदर सर हमारे पास 13,764 एप्लीकेशंस आई, इनकी स्क्रूटनी करके सर आज हम आपके माध्यम से सर 276 जो आइडियाज सिलेक्ट हुए हैं उन लोगों को, उन अवार्ड विनर्स को सर आज यहाँ पर उनके रिजल्ट्स जो हैं सर वो भी अनाउंस किए जाएंगे और जो भी विजेता है सर हर विजेता को उनके आइडिया के लिए, सक्सेसफुल आइडिया के लिए 15,00,000 रुपए का प्रोविजन भी स्कीम के अंदर है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर ये जो हमने हैकाथन 2.0 ऑर्गेनाइज किया सर इसके अंदर एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, पावर, सर्विसेज सेक्टर ये सभी सेक्टर्स सम्मिलित थे। अब सर आज हम एक नई पहल जो आपके माध्यम से कराना चाह रहे हैं वो ये कि अब नई हैकाथन सर एक और आज ही हम लॉन्च कराएंगे सर आपके माध्यम से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जिसे हम हैकाथन 3.0 बोल रहे हैं जो कि इस हैकाथन का तीसरा वर्जन है सर और ये हैकाथन जो है सर ये सिर्फ विमेन के ऊपर केंद्रित है सर। इस हैकाथन 3.0 में हम सिर्फ विमेन जो है विमेन पार्टिसिपेंट्स के आइडियाज उनसे हम लेंगे सर और फिर उनको एनालाइज करके आगे उन्हें भी अवार्ड्स देंगे। नेक्स्ट।
सर, इसके अलावा टेक्नोलॉजी में 5G टेक्नोलॉजी जो है सर, वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है सर। एमएसएमई में मंत्रालय में सर हम ये मानते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। नॉर्मली क्या होता है सर, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में अगर लैग होगा तो हमारी सर्विस रोल आउट और सर्विस डिलीवरी में भी एक लैग रहता है। हम नहीं चाहते कि ये लैग हो, और सचिव एमएसएमई महोदय जी जो हैं सर, उनकी उनके मार्गदर्शन में 5G टेक्नोलॉजी को एमएसएमई में किस तरह से प्रयोग करें सर, इसका लॉन्च भी आज आपके माध्यम से कराया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर, इसमें हम जो हमारा डिज़ाइन कंपोनेंट है एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम का, इसके अंदर 5G टेक्नोलॉजी को हम अपने यहाँ एमएसएमई सेक्टर में किस तरह से प्रयोग करेंगे सर, इसके ऊपर आइडियाज मंगा के सर इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट सर, इसके अलावा मिनिस्ट्री में सर हमारा ये भी मानना है कि अकेले एमएसएमई मंत्रालय के कार्य करने से सर्विसेज रोल आउट जो है वो पूरा नहीं हो सकता। भारत एक बहुत बड़ा विस्तृत देश है और यहाँ भिन्नताएं हैं, और हम मंत्रालय के अंदर सर इस चीज को स्वीकारते हुए सभी जो हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालय हों, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे वो हमारे एमएसएमई एसोसिएशंस हों, चाहे वो हमारे प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स हों, हम सभी को साथ मिला के चलते हैं सर। तो आज इंटरनेशनल एमएसएमई दिवस पे सर हम काफी एमओयूज भी आज यहाँ पर साइन करेंगे, उसके बारे में बताना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर, हम जेम के साथ सर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ सर एक बहुत बड़ी भागीदारी हमारी रहती है, क्योंकि एमएसएमई जो हमारे पोर्टल पर रजिस्टर होते हैं सर, वो जेम के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स जो हैं उनको पूरे भारत में विभिन्न मंत्रालयों के प्रोक्योरमेंट्स के अंदर इनका बड़ा सहयोग रहता है सर। जेम के साथ सर हमारा एक एमओयू आज यहाँ पर हम करेंगे सर। इसके अलावा सर, हमारा एमओयू गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के साथ आज हम यहाँ पर करेंगे, जहाँ पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के डेटा को हम त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे, ताकि वहाँ पर जो हमारे उद्यमी रजिस्टर्ड हैं उन उद्यमियों को किस तरह से आगे लाभ मिल सके, और उनके वहाँ पर जो उद्यमी ऐसे हैं जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं वो किस तरह से हमारे पोर्टल पे आ सकें। तीसरा एमओयू जो हम साइन करेंगे सर, वो मंत्रालय और सीजीटीएमएससी के बीच में होगा सर। सीजीटीएमएससी के साथ जैसे मैंने बताया कि हमारा काफ़ी पुराना संबंध है, पर इस संबंध को और इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का डेटा जो है वो सीजीटीएमएससी के साथ लिंक होगा, ताकि अगर कोई हमारा उद्यमी जो कि एमएसएमई सेक्टर को बिलोंग करता है किसी बैंक से लोन लेता है, और वो लोन जो है उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में मिले, और उस लोन के अंदर जो रिड्यूस रेट्स हैं हमारे क्रेडिट गारंटी फी के वो एप्लीकेबल हों। चौथा एमओयू सर हम साइन करेंगे सिडबी के साथ। इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का को अनाउंस किया गया था, तो पीएम विकास के लिए सर जो हमें पोर्टल बनाना है और इसमें जो आईटी प्लेटफॉर्म्स हमें चाहिए, उसमें हम हमारी सिडबी के साथ सहयोग की अपेक्षा है। एक एमओयू हमारा सिडबी के साथ भी आज साइन होगा। नेक्स्ट सर, इसके अलावा हमारा आज एमओयू एनएसआईसी साइन करेगा नेशनल एससी और नेशनल एसटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। ये दो एमओयूज हमारे साइन होंगे, और एक प्राइवेट सेक्टर में सर एलजी के साथ हम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक एमओयू साइन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे हमारे जो हैदराबाद और चेन्नई सेंटर्स हैं वहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग मिल सके और वो इंडस्ट्री में अब्सॉर्ब हो सके। नेक्स्ट सर, इसके अलावा प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है सर हमारा। आज हमारे आज इस मंच से सर हम 400 करोड़ के जो हमारे लोन्स हैं सर, जो मार्जिन मनी है हमारे 10,000 से ऊपर उद्यमों को, वो हम उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर, इसमें 400 करोड़ जो है मार्जिन मनी के रूप में आज रिलीज किया जाएगा, जिसमें 10,075 नए पीएमईजीपी यूनिट्स जो हैं सर उनको इस मार्जिन मनी का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट सर, इसके अलावा आपका एक निर्देश है सर हमें कि हम जियो टैगिंग करें हमारे एमएसएमई यूनिट्स का। तो सर, जब हम एमएसएमई यूनिट्स की जियो टैगिंग की प्रक्रिया में हम लोग चले हुए हैं, पर हमने एक चीज देखी सर कि हमारे अभी ऑफिसेज के जो फील्ड ऑफिसेज थे उनका जियो टैगिंग भी नहीं हुआ था। तो एक शुरुआत जो हमने की है सर कि एमएसएमई जियो टैगिंग ऐप हम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो मिनिस्ट्री का फील्ड प्रेजेंस है सर, जहां जहां हमारे ऑफिसेज हैं वो सारे ऑफिसेज जियो टैगिंग के माध्यम से फेज वन के अंदर सर बहुत जल्द इसको हम जियो टैगिंग ऐप पे लेके आएंगे, और ये डेटा जो है हम पीएम गतिशक्ति पोर्टल के साथ भी शेयर करेंगे।
नेक्स्ट सर, ये इंटरनेशनल एमएसएमई डे पे आज हमारे कुछ ऐसी पहल हैं जिनको हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, और जो हमारा ये वर्ष रहेगा सर, इस पूरे वर्ष में हमारा फोकस ये रहेगा कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो भी भारत में हैं उनको फॉर्मली हम अपने एम्बिट में लेके आएं, फॉर्मलाइजेशन ड्राइव को हम आगे बढ़ाएं, हम उनके क्रेडिट के ऊपर काम करें सर, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी इनोवेशन और हमारी जो फील्ड लेवल स्टेट के साथ जो एसोसिएशन है जिसमें हम अपने कार्यक्रम जैसे पीएमईजीपी, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें सर इसके ऊपर हम बल देंगे। इसी के साथ मैं अपने भावों को विराम देता हूँ, धन्यवाद। विस्तृत प्रस्तुति के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे एमएसएमई उद्यमियों को उनकी सक्सेस स्टोरीज और उनके अनुभवों को आप सभी के साथ साझा करने के लिए। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं मिस मीतू पुरी को, जिनकी इंटीरियर डेकोरेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। Entrepreneurship is neither a science nor an art, it is a practice. Dream big, start small, but at least start. What I believe in, where I started, it was very small. Small means very, very small. A warm and a graceful morning to all of you. It is an absolute honor for me to be sharing a stage to stand beside Minister Sir, you on UN MSME Day. I'm humbled, grateful, and heartfelt gratitude to you, sir, for providing this stage to me. Thanks to MSME Minister Narayan Raneji, MOS Bhanu Pratap Ji, Secretary MSME, DFO, COIL, KVIC Chairman, and Government of India giving me this opportunity. I extend my heartfelt welcome and compliments to all the entrepreneurs joining here from all parts of the country. It is my privilege to tell you about my story, my journey, my entrepreneurial journey, and contribution made by MSME Ministry in my success story till now. I am Meetu Puri, co-founder of Denot Designer Walls. Aaj tak sabne suna tha wall panels, wallpapers, वुडन कार्विंग्स, बट किसी ने इनोवेशन नहीं करी थी कि मटीरियल क्या चीज एक वॉल को डेकोरेटिव बना सकती है। आई एम प्राउड टू से व्हेन आई शोड माय डिजाइंस टू द होटल इंडस्ट्री, दे वर स्टन, व्हाट इज दिस मैम? आई टोल्ड देम दीज आर डिजाइनर वॉल्स। टिल नाउ पीपल आस्क मी ये होता क्या है। वी स्टार्टेड विद वुडन कार्विंग्स and MDF panels. You will be surprised to know my first project was Shangri-La Eros Ashoka Road. People used to ask me how you reached there, what was the plan, what was there in your mind, kaise pahunche aap? I used to tell them it was only and only my R&D. I am MBA by qualification. It was there in my mind that I wanted to do something in designer walls by the technology. I am using all technology based machines in my unit. They are CNC millers. So started with wooden carvings and MDF. There I recognized the purchase powers. I got to know ki bhai hotel industry bhi banana sab kuch chahti hai but paise nahi kharchna chahti. वॉल्स डेकोरेट होना चाहती हैं, फुल वॉल्स, बट दे वॉन्टेड टू से कि मैम हमने फुल होटल बनाना है, वी हैव मनी कंस्ट्रेंट्स, डू समथिंग सो दैट आप थोड़ा प्राइस कम कीजिए। वी इनोवेटेड विद मटीरियल। आई केम अप विद अ इनोवेटिव मटीरियल दैट इज द डेंटल मटीरियल। आई स्टार्टेड मेकिंग स्लैब्स, उसके बाद काम करना, टाइल्स बनाना, देन टाइल्स बना के आई रीच द होटल। Till now, I am fortunate to tell you, I have done Westing, Park Plaza, Shangri-La, and I am a small scale entrepreneur. I started my unit with only three people. Only three means only three.
When I used to go out, people used to ask me, ma'am, आपके दिमाग में क्या है? I said, मैं MBA हूँ, बिजनेस करना है. जब कॉलेज में थे तो एक चीज पता थी, आई एम MBA. एक सर ने एक दिन, बजाज सर थे, उन्होंने मुझे एक ही चीज बताई, MBA मतलब एक बात समझ लो, मुझे बेचना आता है, बाकी सब ठीक है, बट मुझे मेरे बिजनेस को कन्वर्ट करना है, मुझे बेचना आता है. जिस दिन ये सोच लोगे, बिजनेस कर लोगे. आज भी एक ही चीज सोची थी, आई एम MBA ठीक है, बट मुझे बेचना आता है, वो सच में ये समझ आया था. और उसके बाद इनोवेशंस करी, डिजाइनर वॉल पैनल्स बनाए. अब मुझे एक्सेल करना था. एक्सेल करने के लिए आप मीटिंग्स करते हो, लोगों से मिलते हो, आप बहुत चीजें करते हो. बट व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट द मिनिस्ट्री प्लान्स, मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया DFO ओखला से. दे टोल्ड मी कि देर आर लॉट ऑफ पॉलिसीज, बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, दे विल गाइड यू एवरीथिंग. आई लैंडेड अप टू वर्कशॉप ऑर्गेनाइज बाई DFO ओखला, विच वॉज इन द लीडरशिप ऑफ जॉइंट डायरेक्टर RK भारती सर. यू डोंट बिलीव इन, एक छोटी सी चीज मुझे समझ आई, एक उद्यम रजिस्ट्रेशन होती है, अ स्मॉल 15 मिनट सेल्फ डिक्लेरेशन दैट यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ एंड यू कैन गेट अ स्टॉल एट ITF. आई वॉज लाइक, ये सच है ये झूठ है? मतलब आई वॉज लाइक, ठीक है आप प्लीज बताइए ये सच है ये झूठ है, लाइक आप करिए तो सही. एंड आई एम प्राउड टू टेल यू, आई टोल्ड दिस टू माई फ्रेंड्स एंड दे गॉट स्टॉल्स एट ITF. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड नारायण राणे सर. जस्ट एट द पेपर सेल्फ डिक्लेरेशन, नो मनी, नो रिफंड, जीरो मनी इन्वॉल्व, एंड पीपल वर शोकेसिंग देयर मटीरियल. इवन माई फ्रेंड्स showcase their material and it is the greatest platform जहाँ पे कि आप अपना product showcase कर सकते हो and you can create lot of business. I wanted to tell you that there was no godfather for me in the architecture and construction industry. When people see me, सबके दिमाग में आता है इसका कोई godfather 100% होगा, but I am telling you, there was no godfather. Nobody in the industry could have helped me out from my family, that you being an architect or interior designer, they could have guided me, but nobody was there. Just one thing I wanted to tell, my thanks to present government for the vision of 25% of purchase mandate from MSME and 3% reserve for the women entrepreneur. It has strengthened the women entrepreneurs. I have attended the workshops that has helped me a great, but I wanted to mention one last thing, that upgradation of the skill development programs helped us a lot. And ambitious India, we can hard work, but MSME government has nurtured us by handholding, seed us to bring entrepreneur in future. We wish to bring a role model for a new entrepreneur. Stop chasing money. Start chasing your passion and dreams. And thanks to the ministry who is providing us such a good schemes like public procurement policy. Ma'am, I'm taking along, but I would tell you, it is a great opportunity for a small entrepreneur. Just by small things like Udyami and getting registered on GeM, we are able to supply to the government. And we are really thankful to you, sir, for that. Really thankful. Thank you very much, Reed ma'am. That definitely was a motivating success story. और अब आमंत्रित करना चाहेंगे मनी एंटरप्राइजेस की मिस रिमझिम सेकिया को. Honorable Union Minister of MSME, Shri Narayan Rani Ji. Honorable Minister of State for MSME, Shri Bhanu Pratap Singh Verma Ji.
सेक्रेटरी एमएसएमई सुभाष चंद्र लाल दास जी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर रजनीश जी, आप सबको मेरा प्रणाम। आज उपस्थित यहाँ सारे अतिथियों को मेरा नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है। आज ये दिन हम सब उद्यमियों के लिए है। उद्यमी होते हैं अग्रणी, आधुनिक, आत्मनिर्भर। इसके साथ मैं और एक शब्द जोड़ना चाहूँगी, ईमानदार। मेरा परिचय, मेरा नाम है रिमझिम सैकिया। मैं पूर्वोत्तर राज्य असम से हूँ। मैंने शिक्षा असम से ही प्राप्त की थी। मेरे माता पिता डॉक्टर्स थे और उन्होंने असम सरकार के लिए 30 साल से भी ज़्यादा बड़ी मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने काम किया था। उनके तरह मैं अब भारत के लिए एक उद्यमी बन के ईमानदारी और मेहनत से काम करके अपने देश को आगे ले जाना चाहती हूँ। मैंने 8 साल कॉरपोरेट में काम किया था। शादी के बाद मैंने उत्तर प्रदेश नोएडा गौतम बुद्ध नगर में मेरी कंपनी मनी एंटरप्राइजेस की स्थापना की, जो एक कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। उसकी शुरुआत मैंने की थी। मेरी कंपनी में 80% कुशल महिला कारीगर काम करते हैं। हर उद्यमी को शुरुआत में दो चीज़ें तय करनी होती है। एक, कारोबार शुरू करने से पहले प्रोडक्ट क्या बनाएंगे और मार्केट में कौन सी कमी को ये प्रोडक्ट पूरा करेगा। मैंने कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग करने की निर्णय लिया और मैंने मार्केट में दो गैप देखा। पहला, स्किन केयर कॉस्मेटिक्स केमिकल से भरा होता है और दूसरा, मैक्सिमम सारे कॉस्मेटिक के बड़े कंपनीज भारत के बाहर से हैं। मैंने स्किन केयर कॉस्मेटिक्स डेवलप किया, प्लान बेस्ड यानी कि सात्विक चीज़ों से बना, आयुर्वेदिक तत्वों से भरपूर और 100% ऑर्गेनिक। हम उद्यमी प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन आगे कुछ चुनौतियाँ भी आते हैं। उनमें से एक है मार्केटिंग और दूसरा है फंडिंग। मैं एक समय में काफ़ी परेशान हो गई थी। एक दिन एक प्रोग्राम में पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर एमएसएमई श्री शैलेश कुमार सिंह सर से मैं मिली थी और सर ने मुझे कनेक्ट किया था DFO एमएसएमई ओखला ऑफिस के साथ। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने के नाते हमें गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट से कंप्लायंस के लिए जुड़े रहना पड़ता है, लेकिन आज मैं दिल से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि एमएसएमई DFO ऑफिस ओखला जाने के बाद और डॉक्टर आर के भारती सर के टीम से मिलने के बाद मुझे एक चीज़ फील हुआ, रियलाइज हुआ, मेरे अनुभव में सबसे अप्रोचेबल डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई। भारती सर की टीम ने मुझे जेड के बारे में बताया, यानी कि जीरो डिफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इट्स जीरो इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। मुझे जेड मिला है, मेरे यूनिट को जेड ब्रॉन्ज मिला है और हमने अभी जेड सिल्वर के लिए भी अप्लाई किया है और हम जेड गोल्ड तक जाएंगे। DFO ओखला ऑफिस ने के सलाह के अनुसार हमने रिम्बर्समेंट के लिए भी अप्लाई किया, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेशन का और ISO सर्टिफिकेशन का। एमएसएमई ऑफिस के एडवाइस के हिसाब अनुसार हमने प्रोडक्ट पेटेंट के बारे में भी और जाना और GS1 बार कोड रजिस्ट्रेशन के बारे में भी हमें पता चला, जिससे अब मैं अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट के लिए तैयार करने में सक्षम हुई हूँ। मैं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन समझने के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया तक गई और वापस अपने देश आने के बाद मैंने ग्लोबल स्टैंडर्ड की मशीन्स बुक किया, जो हमें डेली के 1,00,000 यूनिट प्रोडक्शन कैपेसिटी देगी। ये हम 30 दिन के अंदर अचीव करेंगे। एमएसएमई DFO ऑफिस के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया था उन्होंने लास्ट ईयर जून महीने में, जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के ऊपर था। ये ट्रेनिंग करने के बाद हम जागरूक हो गए और हमने अपने सारे प्रोडक्ट्स में 75 माइक्रोन्स के नीचे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इससे हमारे प्रोडक्ट्स पैकेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनली ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के PMS स्कीम के बेनिफिट हमने लिया है। डॉक्टर भारती सर के टीम के एडवाइस से हमने ITF इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में हमने 2022 में पार्टिसिपेट किया था और इस पार्टिसिपेशन से हमें डोमेस्टिक मार्केट में अपनी ब्रांड तात्विक आयुर्वेदा को एस्टैब्लिश करने में और एक्सपोर्ट के लीड्स जनरेट करने में मदद मिली है। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में हमारा पहला एक्सपोर्ट शुरू किया है। हम जैसे उद्यमियों के पास काम के अलावा और किसी भी एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, लेकिन एक दिन
डीएफओ ऑफिस से एक कॉल आया था जिसमें मुझे बताया गया कि सीएनबीसी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देना है ताकि न्यू एंटरप्रेन्योर्स को उद्यम रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स के बारे में बताया जा सके. इट वॉज माई फर्स्ट मीडिया इंटरव्यू एंड इससे मेरे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी आ गई थी उद्यम नई उद्यमियों को उत्साह देने के लिए और राह दिखाने के लिए. प्लस सीएनबीसी का इंटरव्यू पूरे देश में चलाया गया था और मेरे कंपनी को लोग जानने लगे और हमारे तात्विक आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स को भी पहचानने लगे. मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के स्कीम्स और हैंड होल्डिंग के वजह से मैं आज स्टार्टअप से एक कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर बन गई हूँ. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से एमएसएमई सेक्टर में आज काफ़ी बदलाव हो रहा है. मुझे उम्मीद है बहुत जल्द ही हमारे देश भारत को मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपोर्ट में कुल मिला के पूरे अर्थव्यवस्था में विश्व के नंबर वन होने से कोई नहीं रोक सकता है. मैं आभारी हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के प्रति. मुझे आज इस मंच में मौका मिला है मेरे कहानी मेरे जर्नी को आप सबके साथ शेयर करने के लिए. आई वुड रियली लाइक टू थैंक द डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई फॉर हेल्पिंग मी हैंड होल्डिंग मी एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी एंड थैंक यू सो मच. जय हिंद जय भारत. हार्दिक धन्यवाद. और अब आमंत्रित करना चाहेंगे मिस्टर विशाल विवेक को. आप हैं हेम्प फाउंडेशन से. सभी उद्यमियों से कृपया कर निवेदन करना चाहेंगे अपनी सक्सेस स्टोरी जहां तक पॉसिबल हो संक्षिप्त में बताएं. धन्यवाद. माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री नारायण राधे जी, माननीय राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, माननीय सचिव श्री एस सी एल दास एवं अन्य सभी सम्मानित मंचासीन अतिथिगण. माननीय मंत्री महोदय, मैं आज अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूँ कि मैं आज इस मंच पर खड़ा होकर आपको कुछ बताने जा रहा हूँ जो एक्सपीरियंस रहा है एमएसएमई डिपार्टमेंट के साथ बींग एन एंटरप्रेन्योर. सो मैं कहानी थोड़ा पीछे जाके शुरू करता हूँ. जब मैं छोटा था तब विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित था. सोचता था कि इस जीवन में क्यों आया हूँ, ऐसा क्या करूँ कि जीवन सफल हो सके. फास्ट फॉरवर्ड 2019 की बात है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा अपने देश के प्रधानमंत्री को सुन रहा था. वो कह रहे थे वक्त आ गया है कि भारत को फिर से विश्वगुरु बनाए, देश को आत्मनिर्भर बनाए, इनोवेशन स्टार्टअप करे और देश की गरीबी को दूर करे. उस दिन लगा कि जीवन को एक नया मकसद मिला है और मैं ऑस्ट्रेलिया से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भारत आ गया. याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए भी मैंने पिछले 10 साल लगाए थे और सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं इंडिया वापस आया. और उसके बाद जब मैं इंडिया वापस आ रहा था तो मुझे कुछ बातें कई लोगों ने कहा कि वहां पर नए आइडिया को कोई पूछेगा नहीं, तुम्हें फंडिंग में भी दिक्कत आएगी, तुम ऑफिस घूम के थक जाओगे. आज इस मंच से मैं ये बताना चाहता हूं उन लोगों को कि तुम लोग गलत थे और मेरा जो एक्सपीरियंस था उसके ठीक उलट था. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खासकर एमएसएमई डिपार्टमेंट डीएफओ ओखला का. तो खासकर मैं मंत्री महोदय, मैं आपके मंत्रालय में स्पेशली जॉइंट डायरेक्टर आर के भारती सर का एंड बीपी सिंह सर का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत गाइड किया शुरू से, खासकर हर स्टेज पे. बिकॉज हम लोग हेम्प से कपड़ा बनाते हैं, बायो प्लास्टिक बनाते हैं, हेम्प भांग को कहते हैं. भांग से तो हमें लगा था कि भांग को कोई समझेगा नहीं, हेम्प को कोई समझेगा नहीं कि हम उससे कपड़ा कैसे बनाएंगे, बायो प्लास्टिक कैसे बनाएंगे. बस जिद थी कि चूंकि हेम्प हमारे देश का है, हर जगह पे होता है और अगर हम इससे कुछ उपयोगी चीज बना पाए तो ग्लोबल ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में से काफी फॉरेक्स ला सकते हैं. तो हमने लॉकडाउन में पहला अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था हेम्प मास्क और सिर्फ 6 महीने में हमने 1.25 करोड़ का बिजनेस किया और कम से कम 50 महिलाओं को जिनके हस्बैंड से आप बच्चों की जॉब छूट गई थी उनको रोजगार दिया. और उस समय
डॉक्टर भारती का बहुत योगदान रहा, बिकॉज जब भी हम कुछ कस्टम में भेजते थे कुछ भी फंस जाता था, क्योंकि हेम्प नाम होता था तो वो भांग समझ के नार्कोटिक्स वालों का फोन आ जाता था। धीरे धीरे बहुत गाइडेंस मिलने के बाद सारे पेपर वर्क क्लियर हुए एंड बाकी उसके बाद से अब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और पिछले 3 वर्षों में हमने लगभग 6 करोड़ का बिजनेस किया है और हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल हेम्प इनोवेशन में आज हम वर्ल्ड में लीड करते हैं। इनफैक्ट दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो भांग से, हेम्प से सिंगल यूज बायोप्लास्टिक बना सकती है और इसकी वजह से कई सारे फॉरेन के ऑफर्स भी हैं और होपफुली हम बहुत जल्दी फॉरेन फंड भी अट्रैक्ट करेंगे। वही नहीं, बाहर के जब मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ रहा था तो लोगों ने कहा फंडिंग भी नहीं मिलेगी। लकीली डॉक्टर भारती, डॉक्टर बीपी सिंह और के हेल्प से ही CGTMSE वालों ने भी फंड किया। बिकॉज मैं ये इसलिए मेंशन करना चाहता हूँ कि जब हमने कंपनी खोली थी तो भांग के नाम पे कोई बैंक अकाउंट भी खोलने को तैयार नहीं था। कहते थे कि ये पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, ये रियलिटी है सर। कोई तो इन्होंने भी इंटरवेन किया, बैंक अकाउंट भी खुला, बाद में CGTMSE ने लोन भी दिया, बाद में फिर IIT ऑन बोर्ड हो गया, IIT पार्टनर बना, अब कहानी आगे की है। अभी हम लोग जो मेनली काम करते हैं उत्तराखंड में फार्मिंग करते हैं, वहाँ पे ऐसी महिलाओं को जिसके हस्बैंड नहीं है, बच्चे नहीं है, हम उनको रोजगार देते हैं और हम अभी तक कम से कम 5000 फार्मर्स से जुड़ चुके हैं और कम से कम हमने 3 साल में 500 से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न किए हैं डिफरेंट विलेजेस में। खासकर जैसे मिस्टर मोदी कहते हैं कि पहले लास्ट विलेज कहते थे, उसको फर्स्ट विलेज कहते हैं, तो जैसे जहाँ से सरयू नदी निकलती है वहाँ पे एक गाँव है झूनी, वहाँ पे कम से कम हमने 50 families को रोजगार दिया, जो लास्ट गांव है। आज भी वहाँ पे रोड नहीं जाती बट हमें संतुष्टि मिलती है कि अगर हम आके वहाँ पे कुछ कर रहे हैं। तो अब मेरी कुछ गुजारिश है सर, बिकॉज हेम्प सुन के या भांग सुन के बहुत लोग को लगता है कि ये क्या बातें कर रहा है, बट भांग हमारे देश से दूसरे देशों में गया। आज वहाँ उन्होंने 1985 में UN के प्रेशर से हमारे इंडिया में बैन करा दिया। अब हुआ क्या कि अब उन्होंने रिसर्च करके वो आगे निकल गए, हम पीछे हैं बिकॉज ऑफ सर्टन पॉलिसीज आर नीडेड। जैसे कि सर अभी हेम्प सिर्फ उत्तराखंड में लीगल है, हिमाचल अभी लीगल करने वाला है, अगर ये पूरे भारत में लीगल हो जाए, बिकॉज ये एक ऐसा प्लांट है जो कहीं भी उग सकता है, पेस्टिसाइड नहीं लेता, इंसेक्टिसाइड नहीं लेता, कॉटन की अपेक्षा 20 गुना कम पानी लेता है, कार्बन निगेटिव प्लांट है, अगर हम उसको कंट्रोल वे में लीगल करते हैं भारत में, तो हमारा जो प्रधानमंत्री का सपना है कि इमिशन को नेट जीरो पे लाना है 2070 तक, मैं कहता हूं कि टेक्सटाइल में सिर्फ उसको पूरी तरह प्रोपेल करके हम 2050 तक नेट जीरो इमिशंस को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा सर, अगर मेरी गुजारिश है कि जैसे KVIC है, क्वायर बोर्ड है, उसी तरीके से अगर कोई हेम्प बोर्ड बने और उस, ताकि ये सारा का सारा कुछ बहुत इजी हो जाए सर, बिकॉज जैसे पहले हमारे देश में हुआ था कि हमारे देश की गाय खत्म हो गई, जर्सी गाय आई, बाद में पता चला कि हमारे देश की गाय अच्छी है, सेम वे में सर हेम्प के साथ हुआ। हेम्प आप देखेंगे सब जगह होता है, बहुत रोबस्ट प्लांट है, बट अनफॉर्चुनेटली अब हम तो हेम्प भांग कहने से भी डरते हैं, हम कहते हैं हेम्प बिकॉज पहले वो अमेरिका गया, अमेरिका में उन्होंने रिसर्च किया, अब वो आके कहते हैं कि अब ये हेम्प है, भांग नहीं है काइंड ऑफ। तो हमें अपने अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा और उस पर इनोवेशन करने के लिए हमारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को छोड़ना पड़ेगा ताकि हम देश की इकोनॉमी को चेंज करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे अगले उद्यमी मिस अदिति मदान को, जो है फ्रोजन फूड सेक्टर से। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार भारत। हेम्प से मैं बताना चाहूँगी, वहाँ से शुरुआत करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हेम्प पे ख़त्म किया है सर। सो हमारा भी हेम्प मोमोज करके ट्रेडमार्क है सो हम भी विश्व में जाने वाले हैं। सो नमस्कार भारत। आज के चीफ गेस्ट श्री नारायण राणे जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री भानु प्रताप सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर MSME, सचिव MSME, सभी अधिकारीगण तथा उद्यमी भारत को सेलिब्रेट करने वाले MSME डे पे आए सभी अतिथिगणों को मैं अदिति भुटिया मदान आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं अदिति भुटिया मदान कैसे, मेरी शादी एक पंजाबी से हुई है जो रोहतक से जी। मेरी कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार जो कि पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग से आने वाली एक महिला उद्यमी की है, जिसके सपनों को आकार देने तथा साकार करने में MSME ने एक अहम भूमिका निभाई है।
पहाड़ों से चलकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में अपने सपनों को संजोए। आज से लगभग 2 दशक पहले मैंने ये सही सोच के कदम रखा था कि शायद मेरे सपनों का उड़ान यहीं से मिलेगी। शुरुआती लगभग 10 साल विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में काम करने के बाद समय था अपने उड़ान को सही दिशा देने का, जिसका हौसला एमएसएमई ने मुझे दिया। एक 14 सदस्यों के मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार से फर्स्ट जेनरेशन वुमन एंटरप्रेन्योर होने के बावजूद मेरी संकल्प शक्ति और दृढ़ विश्वास को एमएसएमई ने अपने मुकाम तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आज गर्व से बात कर सकती हूं और साझा कर सकती हूं कि मैं एक सफल उद्यमिता के तौर पे अपनी कंपनी ब्लू पाइन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, को निरंतर सफलता की तरफ ले जाने में सक्षम हो पाई हूं, जिसका श्रेय मेरे साथ जुड़े हुए मेरे टीम मेंबर्स, मेरा परिवार, मेंटर्स, एनएसआरसीएल तथा मेरा समय समय पर मार्गदर्शन करने वाला एमएसएमई को जाता है। मेरी फूड जर्नी मास्टर शेफ इंडिया सीजन 3 2013 के दौरान शुरू हुई, जिसमें मुझे खाने के बारे में एक मल्टीकल्चरल एक्सपोजर मिला। सन 2016 में ब्लू पाइन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत हमने पहाड़ों में खाए जाने वाले स्टेपल फूड फ्रोजन मोमोज प्राकृतिक तरीके से संरक्षण के तकनीक फ्रीजिंग से उत्पादन करके लोगों तक पहुंचा कर की। हमने स्थानीय रिसोर्सेज से 4 प्रोडक्ट से शुरुआत की और अभी हमारे पास 40+ वेरिएंट्स बन रहे हैं और काफी सारे ट्रेडमार्क भी है। निरंतर यानी कि कंटिन्यूअस इनोवेशन और मौजूदा उत्पादों में वैल्यू एडिशन हमें अपने सभी प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाती है। हमारे प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ 9 महीने से अधिक है। हमारे हौसलों को बुलंद करने में शार्क टैंक इंडिया, जो कि लघु उद्यमियों को नया दिशा प्रदान करने का सुनहरा माध्यम है, ने भी योगदान दिया। शार्क टैंक के सीजन 1 की पहली सफल पिच का प्रतिभागी होने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक महिला उद्यमी के तौर पे मैं अपने सभी सह उद्यमियों के साथ मिलकर एमएसएमई का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिसने अपने सिस्टम्स तथा योजनाओं जैसे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन, चैंपियन योजना, 0 इफेक्ट 0 डिफेक्ट तथा अन्य द्वारा हम सबका मार्गदर्शन किया तथा हौसला बढ़ाया। एमएसएमई द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आईसी स्कीम के सहायता से अनुभवों का मिलना हमारे जैसे लघु उद्यमियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यही कारण है कि मैं ब्लू पाइन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ हिमालयन फूड प्रोसेसिंग कंपनी बनते हुए देखने का सपना रखती हूँ। इस अवसर पर मैं अपने देश के प्रबल प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तथा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज एमएसएमई हैकाथॉन 3.0 लॉन्च किया जा रहा है और मेरा सभी उद्यमियों से ये अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और हमारे देश की प्रगति में योगदान करें। धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद। और अब अंत में आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर ईशा रॉय को, जो है ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट सेक्टर से। नमस्कार। आज इंटरनेशनल एमएसएमई डे के उत्सव पर मैं आदरणीय मंत्री जी श्री नारायण राणे जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट श्री भानु प्रताप जी, मेंबर्स ऑफ द डायस, मेंबर्स इन द ऑडियंस एंड अपने उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स को हार्दिक दिल से स्वागत करते हूँ। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि आज न केवल हम एक दूसरे की सक्सेस को इंजॉय कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे की जर्नी और उसके उपलब्धियों को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। We as MSME take immense pride in declaring that we contribute to 1/3 of the nation's GDP today, helping realize the dream of our Honorable Prime Minister sir and MSME Minister sir. मेरा नाम ईशा रॉय है और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे आर्मी में, उनका देहांत हो गया while serving the nation, और मेरी सिस्टर्स भी डॉक्टर हैं।
आई कम्प्लीटेड माई एम बी बी एस एंड माई एम डी फ्रॉम प्रेस्टिजियस मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और फिर मैं लंदन गई थी अपने हायर स्टडीज के लिए. एज लक वुड हैव इट वहाँ पे दूसरे देश में जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है और इस पैशन को लेके मैं इंडिया वापस आई. आई स्टार्टेड विद अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन ओखला जो केवल 4 लोगों के साथ और 200 स्क्वायर फुट एरिया में ही था. विद इन 2 ईयर्स आई हैव बीन एबल टू एक्सपैंड ओवर 8,000 स्क्वायर फुट एरिया और आज के दिन में मैं 60 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रही हूँ. ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज वी ऑल वर थिंकिंग ऑफ हाउ टू हेल्प ईच अदर. That was a very important notion which got me back to India and we wanted to contribute in a mammoth way. Meri company ka naam Aritis Healthcare hai and we are Z certified and NSIC certified. Manufacturing unit hai ye jahan pe doctors duniya ki pehli aisi unit hai jisme doctors ke dwara hi yahan ki formulations hoti hain. So be it any field jahan pe केमिकल्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी या फिर बड़े कंपनियों में केमिस्ट के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, ये यूनिट ऐसे डिफरेंट थी बिकॉज हियर द इंटायर R&D एंड द फॉर्मुलेशंस वर टेकन केयर बाय द डॉक्टर्स. मेरी कंपनी का ये भी था कि हम B2B बिजनेस में हैं और बड़ी कंपनियां जैसे डाबर हो गया, अपोलो हो गया, दे हैव इंटरेस्टेड अस विद देयर प्रोडक्ट्स एंड उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है NSIC ऑफिस का और विद्यासागर सर का. मेरी कंपनी का विजन है कि हम इंटरनेशनल स्तर के प्रोडक्ट्स इंडिया में बना सके, सिर्फ ना इंडिया के लोगों के लिए बल्कि वर्ल्ड वाइड हम अपने एक्सपर्टीज और प्रोफिशिएंसी को उनके समक्ष रख सके. रिस्पेक्टेड सर, डिपार्टमेंट ऑफ MSME, इट्स पॉलिसीज हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग दिस आर्टिस्ट जर्नी सिंपल एंड वर्थ वाइल. In synergy with our Prime Minister Sir's vision, I will put all my efforts to employ another 300 people in the next 2 years to come. I have personally benefited from the International Cooperation Scheme, जिसके तहत मैं स्पेन गई थी अपनी मिनिस्ट्री के साथ. वहाँ पे MSME कैसे काम करते हैं उसका अनुभव किया था और वहाँ से सीखे गए एक्सपीरियंस को अपने यूनिट में लागू किया. उद्यम रजिस्ट्रेशन होने के कारण हमको वेरियस फोरम्स की मेंबरशिप मिलती है उसके साथ साथ हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि देश विदेश में क्या हो रहा है उसको हम अपने सिस्टम में लागू कर सके. एज आई एम्बार्क इन द नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन आई एम लुकिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स प्रोग्राम एंड द क्रेडिट स्कीम प्रोग्राम जो बनाया गया है, इससे हम उसके पूरा फायदा उठाना चाहेंगे. With that, I convey a big thank you to all the initiatives done by the government. And once again, a warm welcome to all the distinguished guests, members of the ministry, entrepreneurs present here. Let us make the most of this celebration, making new connections and continuing our journey towards excellence in this vibrant world of MSME. Jai Hind, Jai Bharat. सभी सक्सेस स्टोरीज बहुत ही प्रेरणात्मक थी, इन्हें हम सभी के साथ साझा करने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद. MSME मंत्रालय के अथक प्रयासों से आज इस शुभ अवसर पर कई परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है. माननीय MSME मंत्री श्री नारायण राणे जी से अनुरोध है कि वे सबसे प्रमुख रिमोट का बटन दबाकर चैंपियंस 2.0 पोर्टल को राष्ट्र के नाम समर्पित करें. माननीय राज्य मंत्री MSME जी से भी निवेदन है, कृपया आप भी रिमोट का बटन दबाएं. और जोरदार तालियां. चैंपियंस 2.0 हार्दिक धन्यवाद सर. MSME मंत्रालय ने देश में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से MSME आइडिया हैकाथॉन 2023 का आयोजन किया, जिसमें पूरे देश भर में से हजारों की संख्या में नए विचार ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत किए गए.
माननीय मंत्रीगण से अनुरोध है कि वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इन सफल संस्थानों की घोषणा करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में, भारत में उद्यमियों में एक बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की है। माननीय मंत्रीगण से निवेदन है कि वे रिमोट का बटन दबाकर एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 3.0 फॉर वुमेन एंटरप्राइजेस को एंटरप्रेन्योर्स को राष्ट्र के नाम समर्पित करें। धन्यवाद सर। और अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्रीगण से कि वे कॉल फॉर आइडियाज फॉर एप्लीकेशन ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इन एमएसएमईज अंडर डिजाइन कंपोनेंट ऑफ एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम का लॉन्च करें। हार्दिक धन्यवाद। और अब निवेदन करना चाहेंगे लॉन्च करने के लिए मोबाइल ऐप फॉर जियो टैगिंग ऑफ क्लस्टर प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी सेंटर्स का। हार्दिक धन्यवाद सर। MSME सस्टेनेबल जेड प्रमाणन, शून्य दोष शून्य प्रभाव जेड प्रथाओं के बारे में MSMEs के बीच जागरूकता पैदा करने और उन्हें जेड प्रमाणन के लिए प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें MSME चैंपियन बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के एक व्यापक अभियान है। MSME सस्टेनेबल जेड प्रमाणन 3 स्तरों में प्राप्त किया जा सकता है। और अब निवेदन है माननीय मंत्रीगण से कि वह चयनित किए गए गोल्ड एवं सिल्वर जेड प्रमाणित MSME को अपने शुभ हस्तों से प्रमाण पत्र प्रदान करें। सबसे प्रमुख गोल्ड श्रेणी में आमंत्रित करते हैं श्री भूषण गोयल, चेयरमैन प्रभात फर्टिलाइजर्स केमिकल वर्क्स करनाल हरियाणा से। जोरदार तालियां इनके लिए। गोल्ड श्रेणी के तहत प्रमाण पत्र विजेता जेड स्कीम में। और अब गोल्ड श्रेणी के ही तहत जेड सर्टिफाइड MSME जिन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, श्री जसविंदर पाल सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर द परफेक्ट फिट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से। गोल्ड श्रेणी के ही अगले विजेता हैं श्री सुलभ छाबड़ा, डायरेक्टर एंड सीईओ, पारस एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, गुरुग्राम हरियाणा से। गोल्ड श्रेणी के अगले विजेता हैं श्री जगदीप सिंह, MD, स्टॉक रबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम हरियाणा से। और अब सिल्वर श्रेणी,
में विजेता हैं श्री एसपी आलम, डायरेक्टर एंड सेल्स मार्केटिंग, क्यूब टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। सिल्वर श्रेणी के अगले प्रमाणित एमएसएमई के विजेता हैं श्री संजीव सहगल, डायरेक्टर सनसप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से। और अगले विजेता हैं मिस प्रगति गुप्ता, क्वालिटी मैनेजर अरिहंत इलेक्ट्रिकल्स, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, सिल्वर श्रेणी के तहत। अगले विजेता मिस मंजुला मिश्रा, एमडी होलोसेफ सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, सिल्वर श्रेणी में, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से। अगले विजेता श्री धर्मदेव चौधरी, एमडी अवियांस बायोमेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से। और अगले विजेता को आमंत्रित करना चाहेंगे श्री एम एस दुग्गल, वाइस प्रेसिडेंट आरआर टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा से। और अगले विजेता हैं सिल्वर श्रेणी में श्री वी एस खैरवार, प्रेसिडेंट एबीएस एयरटेक प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा से। सिल्वर श्रेणी के अगले विजेता मिस्टर संजीव आहूजा, एमडी प्रगति इंजीनियर्स अम्बाला, हरियाणा से। अगले विजेता हैं श्री भव्या चावला, डायरेक्टर जयराज एंसिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा से। और अंत में आमंत्रित करना चाहेंगे मिस्टर अनिमेश सक्सेना, सीईओ नीति अपैरल एलएलपी, गुरुग्राम, हरियाणा से। और इसी के साथ सभी गोल्ड एवं सिल्वर प्रमाणित जेड एमएसएमईज के लिए जोरदार तालियां। माननीय मंत्रीगण का हार्दिक धन्यवाद। पीएमईजीपी के तहत समान श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। विशेष श्रेणियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। और अब निवेदन करना चाहेंगे माननीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे जी से कि वह रिमोट का बटन दबाकर पीएमजीपी लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडीज जारी करें। और जोरदार तालियां। माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। जैसा कि हमें डॉक्टर रजनीश अपनी प्रस्तुति में पहले ही बता चुके हैं, और अब माननीय मंत्रीगण की, और इसी के साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन्स पर सभी मार्जिन लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडी जारी की गई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और अब माननीय मंत्रीगण की गरिमामय उपस्थिति में एमएसएमई मंत्रालय एवं अन्य संस्थानों के बीच एमओयू का हस्तांतरण।
सबसे पहला एमओयू एमएसएमई मंत्रालय एवं सिडबी के बीच, जिसका मुख्य उद्देश्य क्रिएशन ऑफ पोर्टल ऑन पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास स्कीम बाय सिडबी फॉर इम्प्लीमेंटेशन है। और एमओयू हस्तांतरण के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे एमएसएमई मंत्रालय से डॉक्टर रजनीश एएसएनडीसी को एवं सिडबी के सीएमडी श्री शिवा सुब्रमण्यम रमन। MSME Ministry is in the process of implementing the PM Vikas scheme and the portal development by SIDBI for onboarding prospective beneficiaries under a new scheme, PM Vishwakarma Kaushal Samman PM Vikas. अगला MOU है MSME मंत्रालय उद्यम एवं जेम के बीच, जिसका मुख्य उद्देश्य है शेयरिंग ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन डेटा विद जेम फॉर लास्ट माइल रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमईज इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर इकोसिस्टम विद द ऑब्जेक्टिव। एंड आमंत्रित करना चाहेंगे एमएसएमई मंत्रालय से डॉक्टर रजनीश और सीईओ जेम श्री प्रशांत कुमार सिंह। हार्दिक धन्यवाद। अगला एमओयू है एमएसएमई मंत्रालय एवं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के बीच, आमंत्रित करना चाहेंगे मिस रुक्मणी अत्री जॉइंट डेवलपमेंट कमिश्नर एमएसएमई एवं मिस विश्वसरी बी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को। इसका मुख्य उद्देश्य शेयरिंग ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन डेटा अवेलेबल विद मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई थ्रू एपीआई है। The data shared by Ministry of MSME, Government of India will be used by the Industry Department, Government of Tripura for policy making and targeted dispersal of schemes. Thank you. Agla MOU hai MSME Mantralay Udyam evam CGT MSME ke beech. Amantrit karna chahenge Dr. Rajneesh ASDC MSME Mantralay se aur Shri Sandeep Verma CEO GT MSME. इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य शेयरिंग ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन डेटा विद सीजीटी एमएसएमई फॉर गिविंग कवरेज टू द बेनिफिशरीज ऑफ एमएसएमई सेक्टर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सचेंज ऑफ डेटा। अगले एमओयू हैं एनएसआईसी एवं एनएसएफडीसी एवं एनएसटीएफडीसी के बीच। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं श्री कार्तिकेय सिन्हा डायरेक्टर पीएनएम एनएसआईसी एवं श्री टी रामुअन पैते चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर एनएसटी एफडीसी को। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य म्यूचुअल कोलैबोरेशन टू सपोर्ट द एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स अंडर नेशनल एससी एसटी हब एंड वेरियस स्कीम्स बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय एनएसएफडीसी एंड एनएसटीएफडीसी है। हार्दिक धन्यवाद। और अब आमंत्रित करते हैं श्री कार्तिकेय सिन्हा डायरेक्टर पीएनएम एनएसआईसी और श्री रजनीश कुमार जैनो चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर एनएसएफडीसी को। राजेश बिहारी सीजीएम ऑन बिहाफ ऑफ द चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर एनएसएफडीसी। एमओयू हस्तांतरण के लिए अगला एमओयू है एनएसआईसी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए। एमओयू के लिए निवेदन करेंगे श्री कार्तिकेय सिन्हा डायरेक्टर पीएनएम एनएसआईसी और मिस्टर ताईजिन चैंग वाइस प्रेसिडेंट एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और डॉक्टर अभिलाषा गौर सीईओ ईएसएससीआई को। द सीओईज विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एट एनटीएससी चेन्नई एंड हैदराबाद विद अदर नेसेसरी सपोर्ट फ्रॉम एलजी एंड ईएसएससीआई फॉर ट्रेनिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑन रेंज ऑफ एडवांस कंज्यूमर एंड होम अप्लायंसेस। इन सभी एमओयूज के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक धन्यवाद। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे श्री डी कुपरामू चेयरमैन कॉयर बोर्ड
आपके उद्बोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए श्री डी कुपुराम जी। Namaskar to all. My most respected Honorable Union Minister Sri Narayan Rani ji, Honorable Minister of MOS Sri Bhanu Pratap Singh ji, and our Honorable Secretary Sri SCL Das sir, and Chairman KVIC sir, and our DCM MSME sir. As the world is celebrating the MSME Day, I wish all entrepreneurs in India a great success in their country. MSME is playing a crucial role in development of economics by contributing to the GDP, fostering the entrepreneurship and creating employment opportunities, particularly in developing countries. Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji's motto is local to local and local to global. The choir board is taking that into the real spirit. See, that is, since it is very limited time, it is 5 minutes for me. So now we are facing lot of issues in the world. That is, the primary thing is it is global warming. See, for global warming, the solution that we have, lot of scientific solutions that we are giving, but anyhow, the natural solution is the natural fibers. The natural fibers are going to be the solution for global warming. In that natural fibers, that is coir, that the husk from the coconut, it is going to play a major role. So regarding this production of husk, nobody plants coconut for husk. They are for the nuts. But the coconut husk, it is a waste. So we are making wealth from the waste. And another thing, this is natural, biodegradable and eco-friendly in nature. See, the production of nuts, that is just a foreign. We have, that is the cultivable land, the 2.1 million hectares of land we are cultivating coconut. From that, we are producing 19,247 million nuts in 2022. That means we are having 19,247 husk. But the available raw material that here, it is that much, but we are using only 30% of the available raw material in our nation. So we have been forwarding towards, that is our Honorable Prime Minister is focusing on $5 trillion economy. In that now we have in the top, that is our GDP is 7.2. But the global scenario, now it comes, when it comes to the global scenario, every nation wants to be self-sustained and self-reliant also. For example, I tell you, that is Saudi Arabia. It's a desert nation. They want to have that food production in self-sufficient. Yeah, self-sufficient food production. For that, they will have to take lot of natural materials. They don't want even that, no chemical products they don't want. They want everything environment-friendly products. That is our coir. It is having the coir pith. It is a dust. That is coir husk, it contains the fiber as well as the dust. That the dust is another product. That dust has the capacity, that
have the characteristic feature of holding water holding capacity. Water holding, that is 1 kilo of husk, that dust, it can hold 8 kilos of water. That is the characteristic feature of that husk. Such a product that we have. So when we are going for self-sustenance and self-sufficiency, that is the focus of the world, the community. It will be for their own economy. They will be taking after this COVID. They have taken it. That is their own economy they are taking. Now the problem in the world now, it is every nation wants to have that food sufficiency and energy needs. That is a challenge, especially US, Europe, and all this after this world, that's war as well as after COVID. That is a problem. But they will have to depend on this biodegradable as well as eco-friendly product from in the equator region nations. We are having a very good scope in the world for that eco-friendly and natural biodegradable products. In fact, I want to take some of the important aspects. You see, this global warming, that is our environment, that is we are taking up this environment. And this coir pith as a material, it's a natural manure. A plant-based manure can be done. And this coir wood, we can make coir wood. It is an alternative for the natural wood. To any thickness, density, that is any density, the natural wood you'll be having a limited density, and in the coir wood, to any extent you can think of making this coir wood. That is one of the, product that we have developed that is go with agriculture. Coir wood, and it's in the use of this is coir wood is it's the fiber, and it we have this Swachh Bharat mission, that is we have the product solid waste management for this coir pith, and we are having lot of products, the coir products and cellulose coir pith products. So the export last financial year, it is 4,340 crore. So our domestic market is almost approximately it is 15,000 crores. Already we are having it. But the survey says, so for these coir products, there is a scope for 38,000 crores of business only in the metros. How you can do this? These are the things. The coir, the vertical gardens. Now we are seeing everywhere this vertical gardens, in the home gardens, and all these things. And this blending of fibers, that is our friend has already mentioned this hemp. See, natural fibers, we have natural fibers, this coir fiber and sisal fiber, and pineapple fiber, and a lot of fibers, that is even now, that is lot of unidentified fibers that we are having, wild fibers. It is unidentified. You see, throughout the nation, we have unidentified fibers. That fibers, all the fibers, we are not taking it as an agriculture purpose. It is wild, wild fibers are there that can also be used in that why I'm telling all these things, that is successfully entrepreneurs as well as our entrepreneurs in MSMEs, we are here. And another thing, the fiber, any fiber can be blended with the jute, with the coir. Coir is the strongest fiber, and for fineness, you can add any fiber to that coir. So our Honorable Narendra Modi ji has mentioned the last in the Mann Ki Baat, he has talked to a women entrepreneur who is successful in this lotus stem fiber. It is from Assam, I think.
So lotus shrimp fiber, that is also there. We nothing is waste. And we have this geotextiles now. Geotextiles with coir. That is, it has its quality of erosion control, taken application in erosion control. Road construction, that is, Indian Road Congress has already approved as a construction material. So the road sector that can be used to it to the larger extent. And we have a co-mark, we have BS standards, also we have already got it. And another advanced level, that is the product, the high-end products. See, automobile accessories. See, this coir has the quality of ultraviolet rays resistant, that quality. With that the interiors of the automobiles can be done. The automobile accessories can be done. We have developed the technologies also, it is there, with coir composites, with other fibers, or with to a minimum level of plastic, and we can do that. Well, that is also there. See, now that a scientist has come out with an idea, that is with the success idea, that lithium, an alternative for lithium also can be done. Lithium, that is, now we are going towards supercapacitors. For that, we need this lithium. So an alternative can be done from coir, that for this supercapacitors. That is one of the things it is coming up. And these vertical gardens, horticultural products, and in employment generation also, that is 80% of the employment now we are providing is 80% is, that is women entrepreneurs, women workers, and the entrepreneurs also now we are coming out. See, one thing, so now we are concentrating in the new entrepreneurs for that we have a plan, and we have discussed with the defense ministry also. It is, we can give employment generation for the Agni Veers, for new entrepreneurs, those who are coming out, the Agni Veers. And there is an employment generation that we can give for this, that is, this product, it is eco-friendly product. It is a need of the hour for the world as a whole. So we can give that is, NRIs can be included in that one, that we can take them also. And as in the pellet, as a packaging material, that also can be, that is, the technology is there. See, everything is there, but the industry has to take it. The entrepreneurs has to come out. So since we have the scope for development, so when I was talking with some economists, that is leading economists of our nation, they have told that now our GDP is 7.2. So the next year, that the coming year, our GDP will be coming to 6.2. That it is because of the all these issues and all, 6.2. But if the MSME comes up, we can achieve 0.5 in addition. That MSME can be, that is. So 0.5 to 1. So if we are all working, and under the leadership of our honorable Minister Saab, and our able leadership of our MOS as well as our secretary, we can achieve another 1%. That we hope that it has to reach, it's to be done. That is, in the GDP, the MSME is going to have a major role. Already we have success stories. That is, in INS Vikrant, we have constructed INS Vikrant locally in our indigenous material, that 82% of the participants are MSME. MSME has participated in 82% in that INS Vikrant construction. That is our power. And we have already proved ourselves, that is, in COVID vaccine also, to the world. So we have every strength, we have every stamina, and we have every resource, and everything, and we can do well, and let us work for 1% GDP for the next financial. Thank you very much. Thank you very much indeed, sir. And now we will talk about
चेयरमैन KVIC श्री मनोज कुमार जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। श्री मनोज कुमार जी, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री MSME भारत सरकार श्री नारायण राणे जी, आज के सम्मानित अतिथि माननीय राज्य मंत्री MSME भारत सरकार श्री भानु प्रताप वर्मा जी, कोर बोर्ड के माननीय अध्यक्ष श्री डी कुपुराव जी, MSME मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री सुभाष चंद्र दास जी, MSME और KVIC के सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, देश भर के MSME सेक्टर से जुड़े सभी मेरे उद्यमी भाई बहन, मीडिया के साथियों और उद्यमी भारत कार्यक्रम में आमंत्रित अन्य महानुभाव, सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र को समर्पित इस अमृत काल में पूज्य बापू की प्रेरणा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं हमारे माननीय मंत्री श्री नारायण राणे जी और भानु प्रताप वर्मा जी के मार्गदर्शन में हमारी टीम MSME, हमारी टीम KVIC सभी ने मिलकर उत्पादन, बिक्री और रोजगार क्षेत्र में ऐतिहासिक ऊंचाइयों को न सिर्फ छुआ है बल्कि हमने इस सेक्टर के सभी लोगों के दिलों को भी जीता। हमारे आर्टिजन भाई बहनों के परिश्रम और पसीने की खुशबू खादी ग्राम उद्योग आयोग के इस पूरे क्षेत्र में नई जान फूंकने का काम किया है। आज इस मंच के माध्यम से हमारे माननीय मंत्री जी को मैं KVIC के अध्यक्ष के रूप में आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में हमारी पूरी KVIC की टीम, हमारा पूरा बोर्ड पूरी लगन के साथ विकास के इस MSME मॉडल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग एक तिहाई हिस्सेदारी MSME सेक्टर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, आज अगर भारत में 100 रुपए कोई कमाता है तो उसमें से 30 रुपए MSME सेक्टर से आते हैं। MSME सेक्टर को सशक्त करने का मतलब पूरे समाज को सशक्त करना, सबको विकास के लाभ का भागीदार बनाना, सबको आगे बढ़ाना। इस सेक्टर से जुड़े करोड़ों साथी देश के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, इसलिए MSME सेक्टर सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। MSME मंत्रालय के अंतर्गत KVIC लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उनके विराट विजन से, हमारे माननीय मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन से अपने लक्ष्यों को पूरे संकल्प के साथ पूरी मेहनत से अचीव करने का प्रयास करता है और आगे भी हम ऐसा करेंगे, इस बात का हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से माननीय मंत्री जी को वचन देते हैं। आज मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए कि माननीय मंत्री जी की लीडरशिप में खादी ग्राम उद्योग आयोग ने पिछले वित्तीय वर्ष 22-23 में बिक्री के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में खादी ग्राम उद्योग उत्पादों का उत्पादन जहां 26,000 करोड़ रुपए था, आज वो बढ़कर 95,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2013-14 में हमने 332% की अभूतपूर्व वृद्धि के साथ हमने अब की बार 1,34,000 की बिक्री का आंकड़ा पार किया है और यह अपने आप में पहली बार हुआ है। साथियों, आज इसका श्रेय हमारे माननीय मंत्री जी के लीडरशिप को जाता है। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने लगातार काम करने का प्रयास किया है और उनका समय समय पे हमें उनके अनुभव और उनके विचारों से हमें प्रेरणा मिलती रहती है। साथियों, पिछले 9 वर्षों में खादी कपड़ों के उत्पादन में 260% की अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली, जबकि बिक्री में हमने 450% की बढ़ोतरी हुई है। ये इसलिए संभव हुआ कि हमारे गांव में हमारे कारीगर, हमारी बहनों, हमारी बेटियों ने अथक परिश्रम किया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2013-14 में जहां हमारा क्यूमुलेटिव एम्प्लॉयमेंट लगभग 1,30,00,000 था, वो अब बढ़कर 1,70,00,000 हो गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में जहां हमारा 5,62,000 लोगों का रोजगार सृजन था, वो अब बढ़कर 9,60,000 को पार कर गया है। 9,60,000 को
मैं इस उपलब्धि का श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, माननीय मंत्री जी के प्रयासों और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हमारे कारीगर भाई बहनों की मेहनत को देना चाहूंगा, जो आत्मनिर्भर भारत की वो अदृश्य शक्तियां हैं जो अपने हाथों से नए भारत की नई बुलंद तस्वीर लिख रहा है। साथियों, खादी की दुनिया में क्रांति के बाद अब हम लोग केवीआईसी पीएमईजीपी के माध्यम से एक नया स्वरूप ले रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी के विजन को लेकर कृत संकल्प है। आने वाले समय में हम इस क्षेत्र में लगातार काम करने का प्रयास करेंगे। मुझे याद आ रहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में इसी विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्यमी भारत कार्यक्रम में कहा था, एमएसएमई सेक्टर का इतना विस्तार इसलिए हुआ क्योंकि सरकार देश में एमएसएमई उद्यमियों, कुटीर उद्योगों, हथकरघा, हस्तशिल्प से जुड़े साथियों पर भरोसा करती है। हमारी नियत और हमारी निष्ठा बिल्कुल साफ है, इसका परिणाम आज नजर आ रहा है। हम कैसे बदलाव लाए हैं इसका उदाहरण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एमएसएमई मंत्रालय के मार्गदर्शन में खादी ग्रामोद्योग आयोग पीएमईजीपी के माध्यम से नए नए एंटरप्रेन्योर को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अभियान से देश के युवाओं को जोड़ने में पीएमईजीपी हर वर्ष नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सही मायने में उद्यमी भारत की हर सिद्धि आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति है। एक नोडल एजेंसी के तौर पर हमारा प्रयास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के और हमारे माननीय मंत्री जी के विजन पर कार्य करते हुए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का प्रयास करें। आपको ध्यान होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अब इस देश में समय आ गया है कि हमारे देश का युवा अब नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। इस दिशा में एमएसएमई मंत्रालय हमारे माननीय मंत्री जी के विजन से हम सब लोग आने वाले समय में लगातार काम करने का प्रयास करेंगे और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई सिद्धि मिले, भारत सशक्त हो, भारत विश्व गुरु बने, हम इस दिशा में लगातार काम करने का हमारा संकल्प दोहराते हैं। माननीय मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पीएमईजीपी के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी डिसबर्समेंट की है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने करीब 8,70,000 परियोजनाओं को स्थापना कर उनसे करीब 75 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। साथियों, 75 लाख लोगों को वर्ष 2022-23 के दौरान 85,000 इकाइयां लगी, जिसमें करीब 9.5 लाख लोगों को नए रोजगार सृजन हुए हैं। स्फूर्ति योजना के माध्यम से देश भर के दूर दराज इलाकों में नए नए क्लस्टर स्थापित हों, हम नए क्लस्टर डेवलप करें, इस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमें माननीय मंत्री जी के विजन और उनकी प्रेरणा से हम इस क्षेत्र में और भी आगे आगे काम करेंगे, इस बात का वजन देता हूं। ग्राम विकास योजना के अंतर्गत हनी मिशन हो, कुम्हार सशक्तिकरण हो, लेदर टूल किट, अगरबत्ती मशीनों का जरूरतमंद हमारे लोगों के हम समय समय पर वितरण कर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन हो, इस दिशा में हम लोग साथियों लगातार काम करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से खादी ग्रामोद्योग आयोग की कोशिश है कि हमारे ग्रामीण परिवेश में कार्य करने वाले हर कारीगर को ना सिर्फ आधुनिक प्रशिक्षण और उपकरण मिले बल्कि उत्पादों के लिए अच्छी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो, इस दिशा में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्टों की क्वालिटी कैसे हो, हमारे उत्पाद के ब्रांड कैसे हो, उसकी मार्केटिंग, उसकी पैकेजिंग, हमें इस दिशा में लगातार काम करना होगा। और डिजिटल इस क्रांति के युग में हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी इस नई व्यवस्थाओं को और आगे लेके जाएंगे, इस बात का हम आश्वासन देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही हम सब लोगों ने इस सेक्टर में लगातार काम करने का प्रयास किया है। माननीय मंत्री जी हमेशा हमें अपने अनुभव से हमें लाभान्वित करते रहते हैं। आज मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, उन आदर्श वाक्यों के साथ, उन आदर्श मंत्रों के साथ हमारे भारत को दुनिया में सशक्त बनाएंगे, इस दिशा में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। आप लोगों का लगातार आशीर्वाद मिलता रहे, माननीय मंत्री जी के विजन और उनके सपनों को हम सब लोग मिलकर इस क्षेत्र में पूरा करेंगे, आज इस बात का हम लोग यहां से वचन लेते हैं। एक बार मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि जो भी अचीवमेंट एमएसएमई में हुई है, आप सब लोग ताली बजाकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें।
एक बार फिर आप सब लोगों को इस दिन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। केवीआईसी अध्यक्ष के रूप में आने वाले समय में हमारी पूरी टीम, पूरा बोर्ड माननीय मंत्री जी के विजन को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा और हम अपनी पूरी ताकत के साथ इस क्षेत्र में इस आने वाले वित्तीय वर्ष में आप लोगों को काम करके पूरे आंकड़ों के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। भारत माता की, भारत माता की। भाई इसमें बोलते हुए आपको थोड़ा संकोच नहीं करना चाहिए। भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद साथियों। हार्दिक धन्यवाद। और अब आपके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी को। आज आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के इस उद्यमी भारत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे मंत्रालय के आदरणीय मंत्री श्री नारायण राणे जी, सचिव एमएसएमई मंत्रालय श्री सुभाष चंद्र लाल दास जी, मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त श्री रजनीश जी, अध्यक्ष खादी और ग्राम उद्योग आयोग के श्री मनोज कुमार जी, अध्यक्ष केयर बोर्ड श्री डी कपूरामू जी, एमएसएमई मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, अन्य मंत्रालय से आए वरिष्ठ अधिकारीगण, भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों से आए प्रतिनिधिगण, सम्मानित उद्यमियों, उपस्थित साथियों, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के इस उद्यमी भारत के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष रूप से अभी इस कार्यक्रम में हमारे खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार जी ने अपने सारी बातों को रखा है। मैं जानता हूं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें पायदान पे थी। आज वो 2023 आते आते 5वें पायदान पर पहुंच गई है। हमें लगता है जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सभी लोगों को एक विजन दिया है, उन्होंने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जो काम कर रहे हैं, और जिस समय हमारी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हमारी बन जाएगी तो निश्चित ही हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस विश्व में बन जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि 2014 में प्रति व्यक्ति आय 85,000 रुपए थी, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उद्यमियों के द्वारा और देश की जो प्रगति हुई है, आज मैं कह सकता हूं कि जो प्रति व्यक्ति आय जो 85,000 रुपए थी आज बढ़कर 1,95,000 हो गई है। हमारा एमएसएमई मंत्रालय
जिसमें हमारे एमएसएमई सेक्टर में जो उद्यमी अपना उद्यम लगाए हैं वो करीब 6.5 करोड़ के आसपास है और जिसमें करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। और हमारे देश में जो एक्सपोर्ट है उसमें एमएसएमई का योगदान 48% है। मैं आज कह सकता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की विदेशों में जो आज छवि उभर कर आई है उससे हमारे एमएसएमई मंत्रालय में जो हमारे उद्यमी हैं अपना उत्पादन बनाते हैं उन उत्पादनों की मांग विदेशों में बढ़ी है। मैं आशा करता हूं कि निश्चित ही मांग बढ़ी है उसी हिसाब से हम सब लोग जब एक्सपोर्ट करेंगे तो अभी जो 48% हम एक्सपोर्ट करते हैं निश्चित इसमें बढ़ोतरी होगी। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में देश में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को हम सब लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि हम लोग समझते हैं कि इसमें जो हमारा खुदरा और थोक व्यापारी है 2021 में इनको शामिल किया गया था। आज 2022 में उद्यम असिस्ट पोर्टल के माध्यम से छोटे छोटे इनफॉर्मल माइक्रो इंटरप्राइजेस को सम्मिलित करके उन्हें लोन देने योग्य बनाया है जिसमें वो बिना पैन कार्ड के भी अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। हम लोग को मालूम है कोरोना काल के समय जब हमारी एमएसएमई की अनुद्यम उद्यमी का उद्योग कोरोना काल में बंद हो गया था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नंद भाई मोदी जी ने एक विशेष पैकेज के माध्यम से इन उद्योगों को उबारने का काम किया था और ईसीएलजीएस योजना के अंतर्गत करीब 5 लाख करोड़ का ये पैकेज दिया गया था जिससे हमारी उद्यम भाइयों ने इसका लाभ लेकर करीब 3.62 करोड़ रुपए इन एमएसएमई सेक्टर के साथ साथ जो हमारे और भी एमएसएमई भाई थे या उद्यमी थे उन्हें इसका लाभ मिला है। आज मैं कह सकता हूं कि जो हमारी 6.5 करोड़ एमएसएमई है उनमें से करीब 96% एमएसएमई फायदे में चल रही है। उसका प्रमुख कारण है कि हमारे जो उद्यमी हैं बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और अपना उत्पादन कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से कह सकता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने समय समय पर आह्वान किया है और उन्होंने कहा है कि हमारी जो स्थानीय वस्तुओं का उपयोग हमारी जरूरत ही नहीं है बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी भी है और यही हमारे विकसित भारत की ओर जाने वाला रास्ता प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री के आह्वान के मूल में अगर हम गौर से देखें तो पाएंगे कि इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का दर्शन
महात्मा गांधी का जी का ग्रामोद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रयास और वीर सावरकर का विदेशी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ राष्ट्रीय उद्योग की रक्षा। आज मैं कह सकता हूं कि कुछ एमओयू हुए हैं। निश्चित एमओयू के माध्यम से हमारे जो उद्योग बंदियों को और सहायता प्राप्त होगी और निश्चित उद्योग आगे प्रगति करेंगे। आज अभी आप सब लोगों ने देखा होगा पीएमईजीपी के अंतर्गत 400 करोड़ का जो सब्सिडी का यहां से लॉन्च किया है, उसमें कोई 10,000 के करीब हमारे उद्योगों को, छोटे छोटे बंदियों को उसकी सहायता मिलेगी। और निश्चित ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पीएमईजीपी के अंतर्गत जो गांव में रहने वाले लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, उन्हें जब इसकी सहायता प्राप्त होगी तो निश्चित ही वो ग्राम में अपना उद्योग लगाएंगे और वहीं उत्पादन करेंगे। आज एमएसएमई डे है। यदि मैं कहूं एमएसएमई मोदी से मुमकिन एंटरप्राइजेस, तो शायद अतिशयोक्ति ना होगा। अगर उद्यमियों से मैं कहूं कि एमएसएमई मेहनत से मुमकिन एंटरप्राइजेस, तो ये भी अतिशयोक्ति ना होगा। आज एमएसएमई डे है, इसलिए मैं अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। एमएसएमई मंत्रालय का निरंतर प्रयास रहा है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सम्मानित एवं मजबूत किया जाए। हमारे माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में एमएसएमई मंत्रालय के उद्यमिता एवं उद्यमितों के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए अनवरत प्रयास किए हैं। और अब निवेदन है श्री नारायण राणे जी से, माननीय एमएसएमई मंत्री, कि आप सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय मंत्री महोदय जी। उद्यमी भारत अग्रणी आधुनिक आत्मनिर्भर एमएसएमई डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले 2 घंटे से एक कार्यक्रम शुरू है। एमएसएमई के लिए आज का दिन प्रसन्नता का, स्वाभिमान का और ये देश को आगे जाने के लिए हम लोग सही काम कर रहे हैं, इसलिए सेटिस्फेक्शन का भी दिन है। इसलिए सभी अधिकारी और हमारे स्टाफ को मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। उसी तरह हमारे सभी उद्यमी, हमारा भारत का जीडीपी में एमएसएमई 30% है। ये 30% जो है उसका वजह हमारे उद्यमी ने जो प्रोडक्शन निकाला, हमारी जीडीपी बढ़ाई, इसके वास्ते है। तो आज का एमएसएमई डे में
हमारी सफलता में ये सभी उद्यमी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, योगदान है, इसलिए उनको भी बधाई देता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। दो हजार सत्रह से एमएसएमई डे सेलिब्रेट करने शुरू किए, छठवा शायद एमएसएमई डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं जब हॉल में आया मुझे लगा कि हमारे टोटल एमएसएमई के उद्यमी 6,40,00,000 के करीब है। हॉल में कितने बैठे होंगे, इतने तो नहीं बैठ सकता है, 500 ज्यादा से ज्यादा, तो भी इतने उद्यमी 6,40,00,000 है तो भी हॉल में खुर्चिया रिक्त क्यों है, ये भी सोचना चाहिए। ऐसा कार्यक्रम जब हम लोगों तक लेक्चर लेके जा रहे हैं कि हम हमारे देश को दुनिया के अर्थव्यवस्था में तीसरे क्रमांक में लाना चाहता है, तो हम तरक्की के तरफ लेके जाने वाले एमएसएमई किस तरह से काम कर रहे हैं, किस प्रेरणा से, किस जोर से ये डिपार्टमेंट आगे भारत को दुनिया के अर्थव्यवस्था में तीसरे क्रमांक लेके जाने की कोशिश कर रहे, मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे, और उसके एक आनंद होना चाहिए। सेलिब्रेट करना है तो खुशी होनी चाहिए। मैं देखा जो भी अधिकारी आता है ऐसे ही बच्चे को टेंशन है, मैं सबका फेस देखता हूं, मैं कोई स्माइल नहीं देते, खाली इधर दो तीन जगह खाली कोई देखेगा तो वो स्माइल देते, बाकी सब सीरियस बैठे। क्यों आप लोग ने आपने जो मेरे पर नोट आई है ना, हमने ये काम हुआ ये कर रहे हैं, ये इतने सारे नोट में फिगर्स है तो अच्छा काम हुआ है, और नहीं भी होगा कुछ भी होगा तो आगे करना है, और हम करने लगाने वाले में से है, तो क्यों आज फेस पे सीरियसनेस क्यों है, नहीं होना चाहिए। आप लोग अधिकारी सीरियस हो गए तो हमारे उद्यमी जिस अपेक्षा रख के हमारे पास आए हैं, यहां बैठे हैं सुनने के लिए, नई कौन सी योजना है, एमएसएमई क्या डिक्लेयर करती है, केंद्र सरकार की नई योजना कौन सी है, बीएमईजीपी में कौन सी है, केवीआईसी में कौन सी है, अलग अलग डिपार्टमेंट हमारी जो सभी है उस कौन कौन सी डिपार्टमेंट नई योजना है और हमें लाभ लेना है, हमें संख्या मिलती है, हम संतुष्ट नहीं है। हम बहुत साल राजनीति में फोर बचपन से मैं आया हूं और काफी पद पे काम कर, लास्ट 34 ईयर से मैं स्टेट में मंत्री था, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का था, तो वो डीप में जाके सोचता हूं हमारे जो उद्यमी है वो माइक्रो में, स्मॉल में और मीडियम में 6,40,00,000 है, उनका टर्नओवर का फिगर कभी देते नहीं है, उसका मार्केटिंग का प्राइस कभी देते, कितना मार्केटिंग हुआ, हमारा जीडीपी का परसेंटेज रहता है, मार्केटिंग का भी आना चाहिए। हम कहते हैं कि हम 2030 में हम तीसरे क्रमांक पे आएंगे, अभी 30% जीडीपी है टोटल भारत के अर्थव्यवस्था में, आगे हम 2030 में 50 जाएंगे। ये 20% का प्लानिंग क्या है, हर साल कितना बढ़ेगा भाई, कुछ सामने रखो ना, उद्यमी है सुनेंगे बाबा ये 5, 10, 15 हर साल बढ़ने वाला है, उसमें मेरे को कुछ बढ़ाना है, हमारा इनकम बढ़ाना है, हमारा प्रॉफिट बढ़ाना है, मैं क्या करूं, सोचेंगे उन लोग अधिकारियों ने, खाली है वो काम, प्रोविजन है मिला वो काम, उतना एक देकर नहीं, आप एजुकेटेड लोग हैं, ये भारत की तरक्की की डेवलपमेंट की अपेक्षा हमारे पीएम साहब रखते हैं, माने मोदी साहब रखते हैं कि हम लोग के आप और हम सबके जान के ऊपर, के अधिकारी ये हमारे पॉलिटिशियन जो मेरे साथी है
वो हमें हमने डिक्लेयर किया भारत तीसरे क्रमांक में दुनिया के अर्थव्यवस्था में आएगा, तो हम लोग बोलना चाहिए नहीं, हम मोदी जी जो घोषणा दिए हम पूरा करेंगे, उसका ये प्लानिंग है 1, 2, 3, 4 इस तरह से हर डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट कितना रोजगार देना है, कौन सा रोजगार, माइक्रो का 20 रुपया रोज वाला, आज के तारीख में एक अंदाजा करो 5 आदमी का फैमिली का महीने का खर्चा कितना है, साल का खर्चा कितना है, और हम माइक्रो में लोग को रोजगार देते हैं वो घर चला सकते हैं, माइक्रो में उत्पादन क्या है, माइक्रो का उत्पादन बढ़ाए कोशिश करेगा तो भी 2030 में हम पहुंच सकते हैं तीसरा क्रमांक में। मैं एक फिगर पढ़ के आप लोग को बताता हूं कि हम कहां हैं और हमें कहां जाना है, मैं पर्पज लियो लिखा है, देखिए अपने आगे कौन है, जापान है, किसका है, मीडिया का नहीं होना चाहिए, ए भाई साहब मीडिया है नहीं, अपने आगे है जापान $4.3 trillion, जर्मनी $4.03 trillion, ये दो अपने आगे है, अपन इसके पीछे है 5वें क्रमांक में, 14 में 10वें क्रमांक में था अपन लोग, माननीय मोदी साहब ने अपने को कहां लाया, 5वें क्रमांक पे लाना, और उन्होंने कहा कि 2030 में तीसरे क्रमांक में जाएंगे, तो अपने को कहां से कहां जाना है, उन्हें कहा बोल तो सरकार की कमिटमेंट है, हो तो अपने को अपना है 3.46 trillion, इतना है, अपने को कितना बढ़ाना है 0.57 trillion बढ़ाना है, खाली एमएसएमई से भी नहीं बाकी भी है, मगर हम इंडस्ट्री है, हर किसी देश का किसी राज्य का किसी कंपनी का ग्रोथ उसके इंडस्ट्री और उत्पादन के ऊपर डिपेंड होता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है, तो हमारी ग्रोथ कितना हम करेंगे रखेंगे 13% है, तो 15-16 करने के लिए क्या कोशिश करनी पड़ेगी, क्या प्लानिंग करना पड़ेगा, बजट मेला टेंडर कोई भी निकाल सकता है, उसको दिमाग लगता ही नहीं है, मैं समझता हूं लगता ही तो कैसा एस्टीमेट आया, तो एस्टीमेट से काउंटर को एस्टीमेट कैसा बढ़ा के देना, इसमें बहुत दिमाग लोग चलाते हैं, आवश्यकता नहीं है, वो सरकार का लॉस है, सरकार का लॉस है, मुझे पसंद नहीं है, मैं बहुत जगह मैं कभी कोई एस्टीमेट चेक करता हूं, अरे बाजार में ये भाव है, एस्टीमेट में इसका इतना भाव लिखा है, क्यों क्या वजह है, ऐसे अधिकारी अपेक्षित नहीं करता, सरकार का फायदा करे, मुनाफा बढ़ाए, सरकार पैसे का एक एक पैसे का लाभ आम जनता को नागरिक को मिले, नागरिक खुश हो जाए, आत्मनिर्भर बने भारत, इसलिए कोशिश मोदी जी के विचार इंप्लीमेंट होने चाहिए, ये हमारा मंत्री हो या अधिकारी हो इनका काम है, या चेयरमैन हो जो भी है, इस तरह का स्टैटिस्टिक के मुताबिक काम होना चाहिए, हमारे उद्यमी जो हुए उन्होंने अपने विचार इधर रखे, मैं लिख के लिए आप लिख सूचना आपने सब लिख के लिए, उन्होंने भी 2 साल हो गए हम यहां थे, कामगार इतने हो गए, ये सब संख्या दी, आप लोग का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, आप अच्छी तरह से आप लोग ने मेहनत करके ये लाया है, इसलिए आप स्टेज पर आए, ये घमंड की बात है, ये घमंड की बात, बड़ा होना आसान है, बड़प्पन वही रखना बहुत मुश्किल है, वो काम करना चाहिए, और इंडस्ट्री में कौन से भी धंधे में ग्रोथ हर साल होते रहना चाहिए, ग्रोथ भले 1 पैसे का कहो तो उद्यमी पाए, तो मैं हमारे अधिकारी को कहूंगा ये देखो किस तरह से हम 2030 में हम हमारा भारत का जो GDP बढ़े और इस हमारा कम से कम $1 trillion
हम आने वाले एक साल में बढ़ाना चाहिए। करो कोशिश। आपने फिगर दिया, मैं भी बता, मेरे पास नोट ही है, आप लोग ही देते हैं, आप लोग बनाते हैं, और आप लोग के सामने वही फिगर मैं दू पढ़ के। एम जी भी इतने रोजगार दिए, इतने पैसा खर्चा के, इतने गारंटी स्कीम में हम इतने लोन बांटे, वो तो फिगर है, लोन मिले वो भी लोग है, मगर कितना उन्होंने प्रोडक्शन निकाला है। आज मुझे माइक्रो में कितने कंपनी बंद है, चालू क्यों नहीं हुए, उनको किस तरह की मदद चाहिए, फाइनेंशियली है, मटेरियल का है, कौन सा है, इसके लिए सर्वे होता है क्या? अपना वो होना चाहिए। उसी तरह जो इंडस्ट्री चालू है, हम यहां चिल्लाते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, घोषित किया, आने के लिए जो जो चीज की आवश्यकता है वो प्रोविजन करना सिक्योरिटी साहब हमारा काम है, वो लोगों तक पहुंचाना। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है वो आम जनता को, छोटे छोटे गांव में इंडस्ट्री है उनको क्या मालूम है? जैसे आप MBA वाली हमारी बहन जी है, वो बाहर पड़ी, उनको मालूम, मैं भी अभी 3 दिन पहले था, लंदन था, स्पेन था, कई इंडस्ट्री भी मैं देखी हूं, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कितना गुना प्रोडक्शन। मैं भी चाइना में गया था 4 साल पहले, मैं फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस करना चाहता था, मुझे मैंगो जूस पल्प बनाना था, इसलिए मैं मशीन देखने गया। मैं गया उधर, गाइड था, उनको बोला मुझे देखे चलो, गया और मशीन बताया उन्होंने। मैं वो आदमी को पूछा जो उधर था, मालिक था, बोला ये मशीन से पर डे कितना बॉटल निकलता है 20 मिली का। मैं सरप्राइज होगा उन्हें फिगर, बोला पर डे 1 लाख बॉटल। हमारे इधर की मशीन जो भी हो 10,000 के ऊपर नहीं होगी। मैं बोल 10 गुना प्रोडक्शन बढ़ता है, 10 गुना प्रॉफिट बढ़ता है, वो 10 गुना प्रॉफिट वापिस मार्केट में आके फिर इन्वेस्ट होता है। ये सोचो, गूगल में जाएगा तो दुनिया का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी मिलती है। एक डिपार्टमेंट में एक अधिकारी ऐसा रखो कि नया जो भी टेक्नोलॉजी से मशीन बनता है किसी क्षेत्र का, उसकी नॉलेज लो और दो हमारे लोगों तक। अपने हर स्टेट में अपने अधिकारी है, जो अधिकारी को खींचा, इसका प्रबोधन करो, जानकारी दो। TC है हमारे ट्रेनिंग सेंटर, कितने का है, कितने है टोटल, कितने चालू है, कौन से टाइप का ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद ओ स्टूडेंट, ओ युवा, कहा नौकरी मिलती है, कहा देते हैं, ये सब अपने डिपार्टमेंट डाटा रखना चाहिए, अप टू डेट रखना चाहिए। हम डिजिटल का प्रचार करते हैं, रैम वर्ड ने पैसा दिया, डिजिटल के लिए पैसा दिया, उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने चाहिए, बनना चाहिए। मोदी साहब एकदम हमारे ऊपर गर्व से कहते हैं भारत हमारा आत्मनिर्भर बनेगा, सक्षम बनेगा भारत, हर भारतीय सक्षम बनेगा, 135 करोड़ है, तो चलो अपने को भी लगना है, चलो उन्होंने कहा तो हम बनाएंगे। एक एक अधिकारी, कोई भी कितना भी बड़ा हो, सेक्रेटरी हो तो वो भी बरस में 10-15 दिन कोई स्टेट में, अलग अलग स्टेट में जाके सर्वे करना चाहिए, वहां का सर्वे लेना चाहिए, क्या चला है। कोई इंजीनियरिंग कंपनी में जाओ, टेक्सटाइल में जाओ, ऑटोमोबाइल में जाओ, अगले 25 साल में देश में यह अमृत काल है ना हमारा, 25 साल में नई आने वाली इंडस्ट्री कौन सी रहेगी? गारमेंट रहेगी, टेक्सटाइल रहेगी, ऑटोमोबाइल्स रहेगी, कार बनेंगे, भारी संख्या में बेचेंगे, जापान जर्मनी के आगे हम अच्छी कार बना सकेंगे। अमृत काल, हम अच्छा अच्छा वर्ड ढूंढ के लाते हैं, मगर उस तरह का अमृत काल में लोगों को अमृत
पी सके ऐसी परिस्थिति निर्माण करना अपना फर्ज है, अपना फर्ज है। हम नोट मांगते हैं तो नोट, अरे नोट मगर फैक्ट है क्या, इससे असर पड़ने वाला है क्या? वो देखिए हमारे जैसा पॉलिटिशियन देख के समझ जाता है, अरे ये नहीं सही नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलते। और किसी को भी अधिकारी को जब कोई बोलता है, एडवाइस करता है, सुझाव देता है, गुस्सा नहीं आना चाहिए। हम नौकरी करते हैं, ये नौकरी मत समझो, ये सेवा करते हैं देश की, ऐसी समझ रखो, सेवा करते हैं। तो उसके लिए काम होना चाहिए। आज बहुत अच्छा दिन है, बरस में अगले साल तो बड़े जगह में बनाइए, उसमें मनोरंजन का भी कार्यक्रम रखे। मेरे जैसा वक्ता कुछ ज्यादा लोगों को दुखी करे तो उसके बाद गाना गाना चलेगा तो अच्छा वातावरण भी बन सकेगा, बन सकेगा। इसलिए मैं आप लोग को चाहता हूं, उद्यमी को भी प्रोत्साहन की आवश्यकता है, प्रेरणा की आवश्यकता। मोदी जी जहां जी भी उनके विचार लास्ट ईयर में आए थे, उनको एमएसएमई के ऊपर बहुत भरोसा है। आप देखो जितने बजट के टाइम भी प्रशंसा की, अपने हर एक्टिविटी जो उसकी जानकारी लेते हैं, नाम के लिए काम नहीं, कुछ कर्तृत्व बताने के लिए काम करो, कुछ करके बताने के लिए। देखो हम किया, साहब ने बुला के एमएसएमई के अधिकारी को बोलना चाहिए, नहीं वाह वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशन, अपना लाइफ और कुछ दिन से बढ़ सकता है, इतना अच्छा वर्ड पीएम से मिला तो बढ़ सकता है, उस तरह का काम होना चाहिए। मैं आप लोग किसी को अधिकार को नाराज करने के लिए नहीं कहा, आपसे काम लेने के लिए, मोदी जी के अपेक्षा पूर्ण करने के लिए आप लोग को प्रोत्साहित कर रहा हूं। मेरे वर्ड अलग हो सकते हैं, मीठे नहीं होंगे, स्वीट नहीं होंगे, मगर इतने खराब भी नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट है मेरा, हमारे उद्यमी बैठे, लास्ट टाइम उद्यमी को बोलो, हर कैटेगरी के बोलो, 10-10 बुला, 5-5 बुला, वो भी आन दे, 10 जन आएगा तो 1000 लोगों तक उद्यमी तक पहुंचाएंगे, वो माइक्रो में, स्मॉल में, मीडियम में, नहीं तो एक एक दिन अलग अलग को बुलाइए, उनके सामने अपन जाएंगे, उसी तरह अपने एक्सपर्ट बुलाएंगे। कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें स्मॉल में का बिजनेस कर सकते हैं, माइक्रो में कर सकते हैं, मैं फिगर नहीं बता सकता हूं, मीडियम माइक्रो से लास्ट 5 साल में कितने जन स्मॉल में आए, स्मॉल से लास्ट 5 साल में कितने जन मीडियम में आए, 1, 2, 3, 4, 5 बताइए, क्यों नहीं? मेरा क्वेश्चन है क्यों नहीं आए? उसके लिए हम प्रयास क्यों नहीं किया? वो ये सभी लोग अपना प्रोग्रेस करना नहीं चाहते हैं कि कठिनाई है, कठिनाई तो कौन सी है, वो दूर कौन करेगा? सरकार, हमारा काम है। फिर एक टारगेट रखो, 97% माइक्रो में हमारी इंडस्ट्री है, वो माइक्रो है, चलो हम 10 तो कम करें, वो सब स्मॉल में आ जाए, स्मॉल में से 5% तो हर साल इंडस्ट्री वहां की मीडियम में जावे, 200-250 रुपए का टर्नओवर करे। उसी तरह और एक मुद्दा है आपके सामने रखता हूं, हम जीडीपी की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की भी उत्सव करना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, क्वालिटी माल की, क्वालिटी ब्रांड आजकल दुनिया में वही चला है। कपड़े का देखो, सादा कपड़े का किधर 40,000 का टी शर्ट होगा तो ब्रांडेड होगा, 70-30-20-20 हजार का फर्क है हर इसमें। उस तरह क्वालिटी का माल बनाने के लिए, ब्रांड लाने के लिए अपना एडवाइस होना चाहिए, एडवाइस होना चाहिए। एक ध्यान में रखो, इंडिया का इंपोर्ट कितना है और एक्सपोर्ट कितना है? इंपोर्ट ज्यादा है, सब पैसा बाहर जा रहा है, हम इंडस्ट्री चलाते हैं ना, तो हमारे उद्यमी को बुलाओ, 50-100 लोग को या 200 लोग को एक साथ बुलाओ,
वो उद्यमी को, बड़े बड़े उद्यमी को कहो मीडियम के ऊपर, अरे भाई ये इंपोर्ट हो रहा है, ये चीज होता है इंपोर्ट, इसका ये इंपोर्ट होता है, इसकी कीमत 2 लाख कोटी है, 2 लाख कोटी है, ये 2 लाख कोटी इधर रुकनी चाहिए। वही बिजनेस आप करो, आपको क्या मदद चाहिए, सरकार क्या मदद करना चाहिए, चलो सरकार करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। उसमें से मैं बोलता हूं भले इंपोर्ट हम करते हैं उसमें से 10-10, 20-20% भी कम होते जाए तो अपने इंडिया के पैसे बाहर जाते हो, रुक जाएंगे दूसरे टाइम में एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए, उस टाइप का माल बनाना, लोगों को इस देश में क्या लगता है उसका स्टडी करके उस टाइप का माल भेजना अपना काम है, अपना काम। चाइना की बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्लोज हो गई, इसमें बंद होगी कोरोना के कारण, मैं जानकारी लिया बंद होगी। तो कई लोग साउथ कोरिया, इंडोनेशिया वहां से मेरे पास आए, मैं लोग क्या हो रहा है, क्या चाहिए आपको, ना हमें इंडस्ट्री लगाना है, मतलब आपकी इंडस्ट्री कहाँ है, हमारे कोरिया में, क्या बनाते हैं, जो चाइना का फैक्ट्री बंद हुई जो माल बनाते थे वही इंडोनेशिया कोरिया वगैरह वो देश 5-6 देशों ने शुरू किया, और जहां लोगों को वो माल लगता था वो देश में आके मार्केटिंग करने, अपने इधर मार्केटिंग करने आए, ये हम बना रहे हैं, आपको चाहिए क्या, कितने फास्ट लोग कहे हम स्लो क्यों, मेरे दिल में क्वेश्चन है क्यों। चाइना हमारे बाजू में है, क्या क्या बंद हुआ है, क्या क्या माल निर्माण करते थे अपने को मालूम है, वही इंडस्ट्री हम लगाते थे तो वही एक्सपोर्ट अपने इधर आ जाता, एक्सपोर्ट का पैसा। सोच क्या करना क्या नहीं करना, लोगों तो क्या पहुंचाना, लोगों को मदद किस तरह से करना, इसका स्टडी करना ही एमएसएमई अधिकारियों का काम है, ये काम है। माल बनाओ कैसा, किस क्वालिटी का बनाए, किस क्वालिटी का। आज लोग बहुत सारे लोग फॉरेन में जाते हैं, पढ़ते आते और सर हर एजुकेटेड आदमी सॉफ्ट ड्रिंक भी लिया, पहला एक्सपायर डेट देखते बॉटल के ऊपर, हर चीज का एक्सपायर डेट देखते थे, पहले कोई नहीं देखते थे। हम लोग सोचते कि इस टाइप का इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए कि आप जो भी माल बनाएंगे ये डिटेल गवर्नमेंट के तरफ से इसका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, खाली लोन दे के अपना फर्ज पूरा नहीं होता है कि उत्पादन निकाल के मार्केटिंग करने तक, मुनाफा कमाने तक अपना मार्गदर्शन होना चाहिए, मुनाफा कमाओ और फिर एक बार सही जगह इन्वेस्टमेंट करो, सही जगह इन्वेस्टमेंट ये होना चाहिए। मैं उद्यमी को भी कहूंगा, आपके एसोसिएशन होगी, साल में कितने टाइम आपकी मीटिंग होती है मुझे मालूम नहीं, 3-4 महीने होना चाहिए, नया कौन से क्षेत्र में अपन जाए कि हमारा प्रॉफिट बढ़ाए। आज 2 रूम किचन के फ्लैट में रहता हो, 3-4-5 बंगलों में कब जाए, इस तरह का मुनाफा कम कमाए, किस तरह कमाया जाता है, इसका जानकारी लेकर इस मीटिंग में, डिबेट में ऐसी जानकारी मिलती है, उत्साह भी मिलता है, होना चाहिए। चलो माननीय पंतप्रधान मोदी साहब, भारतवासी नागरिकों का 135 करोड़ लोगों का कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, दुनिया में हमारे देशवासियों का सम्मान कैसा होना चाहिए, इसके बारे में सोचते हैं। आप टीवी देखते होंगे, हमारे पंतप्रधान अभी अभी अमेरिका के दौरे पे गए, मैं भी 4 दिन पहले लंदन में था, एक मॉल में गए, मॉल के दुकान में अंदर ही जाते वो मालिक ने मेरे को पहचाना, आया साहब आप इंडियन है ना, बोला हाँ, क्या ग्रोथ कर रहे हैं आप, क्या मोदी जी अपने देश को लेके जा रहे हैं, क्या ग्रोथ है आप लोग की, मैंने बोला नहीं नहीं बोलते कांग्रेचुलेशन, मोदी जी ने ग्रोथ किया उसमें हम एक कुछ भी पार्ट हो गए, मगर हमें हमारा हमें कांग्रेचुलेशन लंदन में मिल रहा है, ये कितनी बड़ी बात है, गर्व की बात है, गर्व। तो मोदी जी चाहते हैं अपने लिए, देश के लोगों के लिए, खुद के लिए नहीं। तो सभी अधिकारियों ने, मैं चाहता हूं उस लिए काम करना, काम हम सहयोगी, हम साहब भी नहीं मानते,
आपके सहयोगी है, मित्र है, देश के लिए जो भी आप चाहेंगे अच्छा करेंगे मैं प्रशंसा करूंगा, सत्कार करूंगा। नेक्स्ट टाइम मैं हमारे सेक्रेटरी साहब को कहूंगा आप उद्यमी को देते हैं पुरस्कार, अलग अलग को देते हैं, कभी कभी हमारे अधिकारियों को भी देऊ ना, अच्छा काम किया ये डिपार्टमेंट वो भी देना चाहिए। ऐसा ही नहीं बोलता है, मंत्री छोटे चेयरमैन को भी दे सकते हैं। उन्होंने भी देखे उतने, उनका फिगर भी लिख के लिया, वो टर्नओवर बोले केवाईसी कैसे कितना टर्नओवर हुआ मगर प्रॉफिट कितना हुआ नहीं बोले। हम भी एक उद्योजक है, हम सीएक्स आकर बैठता है तभी पहला प्रॉफिट के बाद में डिबेट होता है, ठीक है। देखो हंसी मजाक में डिबेट करिए कि किसके ऊपर खुन्नस या ये करने के लिए ऐसी मीटिंग नहीं होती, वर्धापन देख एंजॉय के साथ देश के भलाई के सब्जेक्ट आने चाहिए, सब सही होने चाहिए, काम के टाइम काम। आज वैसा एमएसएमई डे है, हम सेलिब्रेट क्या बोल सकते हैं, उत्सव आनंद आनंद या बोल सकते हैं, हम ऐसा कुछ किसका ये नहीं बोला ये सही नहीं ये ऐसा नहीं। हम देखो हमारे हाथ से एक बार फाइल गई ना तो आप कितने साल के बाद पूछ सकते हैं आपने साइन किया था उसमें, मैं बता सकूं ये अमाउंट ये है ये, इतना भगवान ने आपने कुछ क्षमता दी है, मैं तो किस अपने को जानकारी और ये देने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ साथ में लेके जाने वाला हूं। मैं जो भी महाराष्ट्र, मैं भी महाराष्ट्र में 4 साल इंडस्ट्री मिनिस्टर था, मैं जिस अभी 3 दिन में मेरे को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट छोड़ के मेरे को सीएम पोस्ट पे जाना था, तभी मेरे पास में पूछा मेरे ओएसडी को कितने एप्लीकेशन है जमीन के लिए, उसमें यूथ कितने हैं, इंजीनियर कितने हैं, वो मेरे को लेके आई। उसने 400 लाया, बोला कल तक 400 लोग को अलॉटमेंट करो, 400 लोग को साइन करके उनके हाथ में दो और ये न्यूज प्रेस में दो, दो 400 लोग को हम अलॉटमेंट लेटर जमीन का दे दिया, अरे उन्होंने हम लोग ने दे दिया 400। 6 महीने के बाद मैं जब सातारा सांगली जा भी जाता वहां के बच्चे, सर मैं इंजीनियर हूं, आप कहने पर मेरे को जमीन दिया, मैं इंडस्ट्री लगाया, देखो वर्कशॉप लगाया, ये मेरा वर्कशॉप है, इतने आदमी है, मेरे को आनंद लगा, आनंद लगा। आदमी पैसे के साथ साथ कोई सम्मान देवे, इज्जत करे, प्रशंसा करे, इससे भी अपना उम्र बढ़ता है, ऐसा समझने वाले से मैं हूं। मेरे को भूख लगी है, मैं समझता हूं आप सभी को लगी होगी, और मैं इतना भी समझता हूं मेरे वर्ड से शब्दों से किसका भूख ये होने वाली नहीं, भरने वाली नहीं है, इसलिए आप सभी का धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करो, हमारे उद्यमी अपना इनकम बढ़ाओ, एक पूर्वे अच्छा बड़ा उद्यमी का फोटो लगाओ, मुकेश अंबानी अदानी मैंने बड़े बड़े लगना चाहिए, मैं वहां जाना चाहता हूं, भले जाए नहीं जाए उम्मीद तो रखने को क्या है, मैं एक रखता हूं, मैं जब पॉलिटिक्स में आया बहुत पहला है, पॉलिटिक्स में आया फिर कई दिन के बाद मेरे को मुझे पिताजी ने पूछा ये तेरे बेडरूम में ये फोटो क्यों लगाया, पहला नहीं था, तो मेरे को लगता है पसंद देकर लगा, किसका लगाया होगा, वो उम्र ऐसा था लोग फिल्मी हीरो हीरोइन के फोटो लगाते थे, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्यभिषेक जो हुआ किसका, और मैं जब उठता था मुझे बनना है, मुझे बनना, इतने बोलने का, अकेला कोई नहीं सुनने के लिए, मेरा भी राज्यभिषेक महाराष्ट्र में होना है, और मैं वहां तक पहुंच गया, मुख्यमंत्री बन गया। आप भी लगाओ बड़ा उद्यमी का, बड़ा इंडस्ट्रियल, बड़ा देश का, दुनिया का भी लगाओ, और वहां प्रयास करने की कोशिश करो, वो प्रयास में भारत सरकार एमएसएमई का योगदान लगे, हक से आइए, हम लोग योगदान देंगे, सभी देंगे ना, हाँ सब दे। चलो आप सभी को शुभकामना, अधिकारियों का फिर एक बार अभिनंदन,
इसी तरह अच्छा इससे काम करो, मेरे आपको शुभकामना है। और आज के एमएसएमई डे में आप अरेंज भी किया, सेलिब्रेट भी अच्छे तरह से किया, और लास्ट टाइम जाते जाते तो आप हंस के जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करते हैं श्री अतीश कुमार सिंह जी को, जॉइंट सेक्रेटरी एमएसएमई मंत्रालय। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री नारायण राणे जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री भानु प्रताप वर्मा जी, सेक्रेटरी एमएसएमई श्री सुभाष चंद्र लाल दास जी, डिग्निटरीज ऑन द डायस, डिस्टिंग्विश guests who joined us online and guests who are present over here, friends from the media. I would like to thank the Honorable Minister, Shri Narayan Raina ji, for an inspiring presence. Sir, your vision and leadership has been a guiding force in all our endeavors for the development of the MSME sector in the country. I thank Honorable Minister of State for MSME, Shri Bhanu Pratap Singh Verma ji, for gracing the occasion. We are grateful for your support and encouragement. I take the opportunity to thank Secretary MSME Shri Subhash Chand Lal Das ji. His presence has encouraged all of us gathered here today. Also, I would like to specially extend our thanks to the entrepreneurs who came up on the dais and shared their success stories with us. Thank you very much for being here. In the end, I wish to congratulate and thank each and everyone who has been part of the International MSME Day celebrations today. Thank you very much. हार्दिक धन्यवाद। और इसी के साथ पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे की बधाई देते हुए हम आज के इस समारोह को यहीं समाप्त करते हैं। और आप सभी को आमंत्रित करते हैं लंच के लिए। लंच का आयोजन ग्राउंड फ्लोर पर एट्रियम में किया गया है। माननीय मंत्रीगण के प्रस्थान तक कृपया आप सभी अपने स्थान पर ही बैठे रहें।